क्यों सर क्यों भाई जिंदगी भर थोड़ी दिख रहेंगे बाल झड़ रहे हैं दांत गिर रहे हैं है ना बॉयज एंड गर्ल्स ऐसे करोगी लड़कियां तो बाल हाथ में आते रहेंगे <laughs> सर बाल भी गिर रहे हैं अब तो सो so, ये आखिरी अटेम्प्ट है दूसरा रीजन क्या है आखिरी अटेम्प्ट का सर क्योंकि इंस्टीट्यूट का भी तो आखिरी अटेम्प्ट है ना तो हमारा भी तो आखिरी अटेम्प्ट होगा आखिरी अटेम्प्ट है तो हमारा भी आखिरी अटेम्प्ट होगा सो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव व्हेन यू आर ऑर्ड ऑडिट इट्स वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट एज कंपेयर टू योर एफआर एंड एसएफएम एफआर एंड एसएफएम इट्स वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट हम मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होती है जब हम ऑडिट पढ़ रहे होते हैं बारिश का मौसम है सुहावना सा मौसम है तो खिड़की के पास में बैठ के पानी तक खेलते हुए छम 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 करते करते लोग पढ़ते रहते हैं अब वो कहाँ वो क्लाउड 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 बनते बनते कहाँ हम चले जाते हैं भावनाओं में भय जाते समझ ही नहीं आता एफ आर एस एफ एम क्यों इंटरेस्ट नहीं क्योंकि हम लोग उसको हाथ से सॉल्व करते टीचर भी सॉल्व करवा रहा होता है एंड आप खुद भी सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पर क्या इंटरेस्ट बना रहता है ऑडिट में ये प्रॉब्लम है सो इसीलिए आई रिक्वेस्ट एवरी वन की वेन आर स्टार्टिंग ऑडिट वेन यू स्टार्टिंग ऑडिट येस आई सोके शायद यूज इंग्लिश ऑल्सो वी नर स्टडिंग ऑडिट मेक श्योर मेक श्योर दैट यू कॉन्सेंट्रेट एंड स्टडी आई एम नॉट आस्किंग स्टडी टेन आवर्स ऑडिट एवरी डे नो टू आवर्स एवरी डे विद मी वन आवर एवरी डे विद योर सेल्फ दैट्स इट एंड ट्रस्ट मी ऑडिट विल बी इन योर लैब नॉट इन योर हैंड इट विल बी इन योर लैब एफ आर बिंग द फर्स्ट पेपर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो चार सौ घंटे थ्री हंड्रेड आर्स फोर हंड्रेड आवर्स वट एवर टीचर इन इंडिया यू हैव स्टडी लाइक थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड आर्स सेवन एट बुक्स यू प्रिपेयर फॉर एफ आर एंड बींग द फर्स्ट पेपर यू विल स्टडी एटलीस्ट अ वीक लाइक फोर फाइव डेज स्टडी फॉर एफ आर एस एफ एम जनरली इट इज इंटरेस्टिंग सॉर पीपल कॉन्सेंट्रेट एंड स्टडी एस एफ एम थर्ड पेपर बींग ऑडिट इवन टूडे आई एम टेलिंग यू आई टेल एवरीथिंग इन द क्लास ऑन द एग्जाम डे ऑल्सो स्टिल पीपल विल बी आस्किंग सर शुरू कहां से कर रहे हैं वेर डू बी स्टार्ट फ्रॉम हाउ डू बी स्टार्ट इट ये समझ नहीं तो लोगों को पढ़ना क्या होता है

इस अटे में हाइएस्ट वी हैव गॉट राइट ना जो हमको पता चला अभी तक सिक्सटी सेवन हाईस्ट है टू तो बी वेरी ऑनस्ट पिछले अटे में भी आता उससे पहले अटेम में भी आता था लोगों को आता है यू कैन सी समन ऑफ कोर्ड सेवेंटी फाइव ऑल्सो मैंने उसका इंटरव्यू भी लिया था मे ट्वेंटी टू के नवंबर ट्वेंटी आता है लोगों को आप कहीं से भी पढ़कर आए हो कि मुझे नहीं पता आपने सेल्फ किया होगा आपने सेल्फ किया होगा वॉट एवर यू हैव डन द प्रॉब्लम विथ ऑडिट इज वन सिंपल गोल्डन रूल वन टीचर वन बुक इट द प्रॉब ऑफ सी ए फाइनल स्टूडेंट्स पैन इंडिया पैन इंडिया पैन इंडिया एक ही तकलीफ है क्या है सर चार चैप्टर एक्स टीचर से स्टैंडर्ड वाई टीचर का छोटे चैप्टर किसी और का टैक्स वाइड चैप्टर किसी और का प्रोफेशनल देख किसी और का बाकी जो मन करगा वो मन से पढ़ लेंगे में खुद से कर लेंगे टू मैनी कुक्स स्पॉल द सुप रिमेंबर दैट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द सुप

आज कोई बुक नहीं लाए कोई इशू नहीं है नहीं है बुक मैं आज कम ही लिखवाऊंगा कल से अपन लिखना शुरू कर देंगे लिखना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है कोई मुझसे मुझसे कहेगा सर प्रीवियस बैच के बच्चे का नोट्स दे दो ना मेरे पास पढ़ा है मैं दे दूंगा आपको पर एग्ज़ाम ओरल एग्ज़ाम है क्या वाई वाई है क्या मार्क्स से तो नहीं आ रहा यही तो प्रॉब्लम है और नवंबर ट्वेंटी थ्री क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट आई टेल यू मे ट्वेंटी फोर में चेंजेस है इंश्योर कितना भी बोले कि सिलेबस सेम है नाइन्टी परसेंट सेम है बट हाँ बीच बीच में गुजा गुजा के चेंजेस है एंड वो हम तो अभी खाली एस ही पढ़ते हैं ना वहाँ पर है एस भी आ गया है जो हमारे जमाने में होता था लगे पंद्रह बीस साल पहले ठीक है वो सारी चीज़ें वापस रिपीट हो गई है एस आर ईज एस ईज एस आर एस ये सब वापस आ गए तो सात नए स्टैंडर्ड्स और आ गए मतलब नए तो क्या पहले भी थे ये तो ये आ गए वहाँ पर तो यहाँ पर आपको क्यों मई चौबीस के बारे में सोचना वी आर क्लियरिंग इन नवंबर ट्वेंटी थ्री ओल्डी स्ट्रेटेजाइज करके चलना पड़ेगा अगर मेरी बात मानोगे बात सोचोगे आपने यहां तक ट्रस्ट किया आगे भी ट्रस्ट करो दो लोग को आपको ट्रस्ट करना होगा दो लोग को ठीक है दो लोग को ट्रस्ट वन इज मी सेकेंड इज यू मी प्लस यू विल गिव अस वी विल गिव अस वी मेरे पे विश्वास करो और खुद पे विश्वास करो कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही चीजें पढ़ रहे हैं मैं आपको मॉडल क्लास में करा रहा हूं अपनी चार्ट बुक कराऊंगा क्वेश्चन बुक कराऊंगा क्लास में लिखवाऊंगा हम कहते हैं कि सत्तर अस्सी घंटे में खत्म होगा उससे पहले खत्म हो जाएगा बट थोड़ा सा हमको फास्ट करना पड़ेगा बिकॉज ये फास्ट ट्रैक बैच है सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा आपको जितनी भी मॉडल में दे रखे सारी चीज़ें बट चीज़ें याद करनी पड़ेगी बोलनी पड़ेगी डेडिकेटेडली हम रोज मिल रहे हैं सेवन पी टू नाइन पी जिसके जो भी जिंदगी में ऑब्लीगेशन आप ठीक है जिंदगी में वट एवर ऑब्लीगेशन यू हैव सेवन टू नाइन यू आर डेडिकेट विद मी फोन थोड़ा सा बंद कर दीजिए दैट्स अ मेन डिस्ट्रैक्शन देन खाना खाने के बाद दस से ग्यारह दस से ग्यारह एवरी डे एवरी डे फॉलो दिस शेड्यूल बी एट पार विद मी दैट्स इट मैं जो दो घंटे में आपको कंटेंट कराना वो आपको एक घंटे में पूरा रिवाइज करना होगा यू जस्ट हैव टू बी एट पार विद मी दैट्स इट आई विल गिव यू द टाइम टेबल फॉर टू मंथ्स फॉर वन मंथ फिफ्टीन डेज सेवन डेज थ्री डेज वन पॉइंट फाइव डेज आई विल गिव यू एवरी टाइम एवरी टाइम टेबल बट प्रोवाइड यू फॉलो दैट नंबर टू टेलीग्राम ग्रुप में जो छः छः ग्रुप ज्वाइन कर रहे सब छोड़ दो मतलब उसमें क्या होता है वो चैट चैट नहीं होती चैटे होती है चैटे लोग पागल जैसे उसमें टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं प्लीज लीव ऑल दो यू हैव अ डाउट ऑफ रिगार्ड्स टू ऑडिट यू हैव माई टेलीग्राम ग्रुप आस्क मी देर तुमको मुझसे बात करने का मुझसे बात कर लो पर दस ग्रुप ज्वाइन करके मतलब नहीं है ना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अप अपना जिनके दो चार अटेम निकाले आपको अपने आप अप चीज़ें रियलाइज होती जाएगी हमने क्या नहीं पढ़ा था क्या पढ़ा था नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट ऑडिट पेपर सो इट्स अ हंड्रेड मार्क्स पेपर हंड्रेड मार्क्स इज डिवाइडेड इनटू सेवेंटी मार्क्स इज योर डिस्क्रिप्टिव थर्टी मार्क्स इज माई एम सी क्यू पेपर कैसे लिखना है कब लिखना है वो सब मैं आपको बताता रहूंगा तीस मार्क्स का एम सी क्यू ये मेरे लिए बोनस है दिस इज माई बोनस आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट आई हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस सेवेंटी मार्क्स माई टारगेट इज इन सेवेंटी में से मेरे को फिफ्टी प्लस कैसे भी लाना है फिफ्टी प्लस अगर मैं फिफ्टी प्लस लेकर आ गया ये थर्टी में से ऑन एन एवरेज हफाई से ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव लोगों को आराम से आता है ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव फाइट आखिरी पाँच मार्क की होती है ट्वेंटी ट्वेंटी लोगों को आता है फाइट इज ओनली फॉर दैट फाइव मार्क्स हाँ पीपल गेट सेवेंटी मार्क्सर आता है सत्तर तभी तो ताज लेके जाता हूँ ना लोगों को सो दो रीजन सत्तर एम करने का पहला चीज आपका एग्रीगेट का इश्यू सॉल्व होगा एग्रीगेट इश्यू विल बी रिजोल्व बाय दैट सेवनटी मार्क्स इफ समन स्टॉप एट वन नाइन थ्री एग्रीगेट इज अ प्रॉब्लम तो आपका एग्रीगेट एग्रीड इश्यू सी एम जब सत्तर करोगे ना तब जाके सिक्सटी आएगा वे यू एम फॉर यू सिक्स अट फोर्टी वेन यू एम फॉर यू लैंड वेस्ट जितना मार्क्सर्टी टू थर्टी फोर थर्टी सिक्स करेक्ट सो नीड टू रियलाइज अ फैक्ट आई नीड टू एम फॉर सेवेंटी नंबर टू वैन यू गेट सेवेंटी मार्क्स जस्ट गिव मी अ कॉल मैसेज इंस्टाग्राम टेलीग्राम आई विल टेक यू टू कमिटेड कमिटेड बॉम्बे अ लंच और अ डिनर फ्रॉम माई साइड शक्ल गरीब है बट आई कैन अफोर्ड पिछले अटम में गए थे फिफ्टी सिक्स पीपल बॉम्बे एटीन पीपल देर अहमदाबाद ताज तो दो जगह में लोगों को लेकर डिवाइड करके अभी भी बहुत सारे लोग हैं अभी तक फाइनल काउंट आया नहीं हमारे पास कर रहे हैं हम आएगा बट ट्रस्ट द प्रोसेस ठीक है नाउ सर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता कुछ इंपॉर्टेंट सब पढ़ने का सब पढ़ने का बट वेटेज लेके पढ़ने ले का कोई ए बी सी कोई एक्स वाई सी कोई एनालिसिस काम नहीं करता है ठीक है जिनके पास भी वो जो है ना जो मतलब यूट्यूब पे जो वीडियो चलते रहते हैं ए बी सी एनालिसिस कर लो इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो ना ये कर लो सब फेल है वो वो पूरा जो जनता है ना वो पूरा जनता फेल हो जाता है पूरा जनता फेल है आप अंडरस्टैंड करो आप सी फाइनल के एग्जाम दे रहे हो हाइएस्ट लेवल कोर्स है ये मतलब एक एक कॉम्प्लिकेटेड कोर्स है कॉम्प्लेक्स कोर्स है आपकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव है इसके बाद आप जिंदगी शुरू कर दोगे पैसा कमाने के लिए तो आपको ये चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि भैया मेरे को क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है कोई इंपॉर्टेंस कुछ नहीं करना है सब करने का है सबसे पहले आप करोगे स्मॉल चैप्टर्स इज द वॉइस ब्रेकिंग इन बिटवीन राइस नो थैंक यू फर्स्ट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्मॉल चैप्टर्स फर्स्ट यू हेर टू कॉन्सेंट्र स्मॉल वॉट ड्यू मिन मे दर्ट स्मॉल्टर्स ऑडिट ऑफ सी एफ एस पीयर रिव्यू हो गया क्वालिटी रिव्यू हो गया एल ओ डी आर वाला चैप्टर हो गया एन बी एफ सी ऑडिट हो गया इंश्योरेंस ऑडिट हो गया जैसे सारे चैप्टर्स हैं सर ये बहुत सारे ना तो क्या हुआ बेटा ये स्कोरिंग है ये करीबन आपका आता है पचास से पचपन मार्क ये याद है तो हाफ ऑफ द पेपर तो यही है अच्छा एथिक्स आता है आपका ट्वेल्व मार्क्स का बराबर तीन क्वेश्चन पैटर्न भी फिक्स है मैं आपको पैटर्न भी बताऊंगा सब बताऊंगा आपको पूरा पूरा एनालिस कर रखा अपन ने कहा से क्या पेपर बनता है कैसे बनता है पेपर सब दिखता है सामने सामने सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं इंस्टीट्यूट नवंबर तेईस में कोई रिस्क नहीं है बहुत सेफ एग्जाम है क्योंकि क्या है आखिरी अटेम्प्ट है ना बाकी तो नया सिलेबस जैसे भी एन बी एफ सी एल ओडीआर यह सब चैप्टर नहीं आएगा नए वाले सिलेबस में ये सब चैप्टर है ही नहीं नए सिलेबस में तो इंशोर आखिरी में पूछेगा क्या पूछेगा जो पूछ चुका है पहले से तो क्या के लिए नया पढ़ने का अपने को ठीक है so, सो एथिक्स आ गया बारह मार्क का आपका कंपनी ऑडिट कंपनी ऑडिट इंक्लूड्स ऑडिटर वाला चैप्टर अकाउंट्स ऑफ कंपनी डिविडेंड कारो ये मिला के करीबन आपका मान लीजिए बारह मार्क के आसपास का हो होगा बारह से सोलह मार्क मान लीजिए कारो तो छः मार्क का आ ही रहा है क्योंकि कारो ट्वेंटी ट्वेंटी अमेंडमेंट है सो so फिफ्टी ये ट्वेल्व ये ट्वेल्व ये ये तो फिक्स है अगर मैंने इस इज्जत में कॉन्सिडर कर लिया अच्छा टैक्स वर्ड वाला जो तो चैप्टर है टैक्स वर्ड वाला चैप्टर वो इट इज़ कमिंग फॉर सिक्स मार्क्स थ्री मार्क्स टू क्वेश्चन ईच फिक्स है ये भी सेम पैटर्न में बैठता है ये भी सो इफ आई ऑन दिस फिफ्टी प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी थर्टी सो क्लोज टू ए मार्क्स तो मेरा यहीं कवर हो जाता है ना मेरे को सर एटी में से कितना चाहिए सर फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट ले लो मैं फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट अरे अरे मस्त स्कीम है सेल 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 फोटी मार्क्स आ रहे हैं मेरे को पढ़ा तो पार हो गया अब आता है मेरा स्टैंडर्ड जो ऑडिटिंग पूरा इंडिया पागल है सर अरे ऐसे करा दो ऐसे क्या आपके आपके पास भी होंगे हैंड रिटन वाले नोट्स कलरफुल वाले नोट्स चार्ट वाले नोट्स उड़ते हुए वाले चार्ट नोट्स आई डोंट वांट टू नेम एनीवन बट यू नो इट ओके सब नोट्स इकट्ठा कर पूरा रद्दी इकट्ठा खा रहा ऑडिट का तो पढ़ना क्या है पता नहीं सर यही प्रॉब्लम है कितने मार्क ऐसे आते हैं ऑन एन हायर साइड पच्चीस मार्क का पच्चीस मार्क का ऑन हायर साइड आई एम अ हायर साइड कभी पूछ लेगा तो तीस मार्क के आसपास का बराबर मेरे को करने का कैसे पांच क्वेश्चन करने क्योंकि एक तो ऑप्शन में निकलेगा मतलब इंडिया का हर ऑथर हर टीचर की बुक में पहला चैप्टर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग होगा अपनी बुक में आखिरा चैप्टर होता है हमेशा आखिरी चैप्टर मैं उल्टा पैदा हुआ है तो मैं उल्टा सिखाता है पहले क्या करने का पहले अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का कॉन्फिडेंस जिससे ऑडिट में इंटरेस्ट आएगा पागल से लोग ऐसे दो सो आ हाँ ऐसे दो सो ऐसे दो सो कितना दिन हो गया चार दिन फिर ऐसे टूटे टेन आ हाँ तीन दिन हो गया सर सात दिन हो गया अभी पढ़ते हुए अरे 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 सर अरे भैया ऐसे दो सौ दो सौ दस आई लेवल के ऐसे इंटर लेवल के ऐसे है उसमें आप टाइम वेस्ट करो पागल जैसे तो लगेगा ना ऑडिट में अटैम्प हो क्योंकि तुमने कभी दिमाग ही लगाया इन सब चीज़ों में हार्डवर्क से ज़्यादा बच्चा स्मार्ट वर्क चाहिए अपने को स्मार्ट वर्क वी विल डू ओनली स्मार्ट वर्क हैंड रिटन नोट्स आर नोटोर्टेंट ऑफ नॉट योर क्योंकि एग्जाम आप ही की है आप ही को जाके लिखना है लिखना पड़ेगा हाँ कुछ चैप्टर जहां आपको मैं चार्ट बुक से डायरेक्ट करूंगा उसके नहीं लिखेंगे क्योंकि वो छोटे बड़े चैप्टर वो डायरेक्टली चार्ट बुक से बाकी जो शॉर्ट शॉर्ट चैप्टर है उसके मैं आपको खुद लिखवाऊंगा आंसर लिखना पड़ेगा भले आप बाईस साल के हो इक्कीस साल के हो पच्चीस साल को तीस साल को चालीस साल को मुझे नहीं फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए आप एक स्टूडेंट हो आप कहीं से भी आए हो मेरे को आपको क्लियर कराने का गाइस समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ कुछ गलती रियलाइज हो रही है कि चैप्टर पढ़े थे नहीं पढ़े थे कुछ समझ आ रहा है आप लोग को प्लीज़ चैट में मुझसे बात करते रहना मेरे को दौरे पड़ते बार बार ऑडियो मैंने ऑफ ऑफ कर रखा है ऑडियो सबका मुझे चैट में बात करना अगर किसी को मुझसे बात करते मुझे बताना मैं फिर यहाँ से माइक निकाल दूंगा फिर किसी का भी कोई भी कारणवश अगर कभी भी कोई लेक्चर मिस होता है ना मेरे को बता दो मैसेज कर दो मैं आपको पूरा वीडियो बैकअप दिलवाऊंगा कोशिश कीजिए अप्लाई अटेंड करने के लिए ठीक है कोशिश कीजिए मेरे साथ पार पे रहिए जो मैंने आपको दो घंटा दो ढाई घंटे में मैंने पढ़ा वो एक घंटे में उसको खत्म करना ही है जस्ट एल्टो असल योर एग्जाम इज टुमारो योर ब्रेन विल स्टार्ट प्रोसेसिंग योर ब्रेन विल स्टार्ट प्रोसेसिंग क्योंकि हम हमारे माइंड क्या था रिलैक्स है और कब है पाँच नवंबर को पेपर है पाँच नवंबर चिल रिलैक्स नहीं भाई मेरा एग्जाम कल है सिंपल एवरी डे हाँ टेस्ट भी लूंगा मैं आपका मतलब मैं सबको बोलता हूँ टेस्ट लिखो मेरे को दो पेपर मैं चेक करका फ्री में चेक करका फ्री में फ्री में बाकी लोगों ने जॉइन ज्वाइन कर रखा के टू फिफ्टी रुपीज़ टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज ढाई सौ रुपये ढाई सौ रुपये ऑफर ऑफर पे ऑफर टेस्ट सीरीज़ ढाई सौ रुपये का पेपर ऑडिट का मतलब भाई साहब मतलब किसी का देखा था मैंने फोटी नाइन रुपीज़ है चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ओहो क्या क्वेश्चन है मॉडल के क्वेश्चन है

सारा पेपर मॉड्यूल से था मैं आपको अभी मतलब जब हम चैप्टर करेंगे मे तेईस मई तेईस का पूरा पेपर क्लास में सॉल्व करवाऊंगा मई तेईस का पूरा पेपर एक्सेप्ट टू क्वेश्चन जो नए आए थे एकदम बाकी पूरा पेपर रिपीटेटिव था पूरा पेपर आई विल टेल यू द क्वेश्चन नंबर आल्सो फ्रॉम द मॉड्यूल कि कहाँ से आया था वो ठीक है एंड देन यू विल रियलाइज योर मिस्टेक्स जो हो गया सो हो गया आज से नया जिंदगी शुरू हुआ है आज से जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ वैसा कीजिए किसी को अगर एफ आर एस एफ एम लॉ का भी है तो अपन बाद में बात करेंगे ठीक है सो स्टार्ट यू रेडी अरे ऑडिट होता है रे आराम से होता है फालतू तो में डर है वो क्या है बड्डे बड्डे टीचर को ना कोट वोट वाले टीचर जो होते हैं बस अरे अरे ऑडिट ऑडिट अरे, अरे, अरे कोई ऑडिट नहीं ऑडिट बहुत ही हलवा है ठीक है so, सो आपको बुक ऑन द वे है जिन्होंने लेट एडमिशन लिया तो बुक निकल चुकी है आज जिसने एडमिशन लिया उनकी भी बुक निकाल दिया हमने सबकी प्रायोरिटी में निकाली दो तीन दिन में हो जाएगा जो चैप्टर मैं आपको करा रहा हूँ जब तक बुक लेंगे आई विल शेयर आफ्टर द क्लास ओपन पी डी एफ टू यू गाइस सो यू कैन वॉच द वॉच द पी डी एफ आई मीन यूज़ द पी डी एफ ओके सो ऐसे आपको चार्ट बुक मिलेगी सो क्लोज टू अपने पास कितने इक्कीस इक्कीस चैप्टर है मिल गए बुक क्या बात है इक्कीस चैप्टर्स है आपके पास करने के लिए और ऐसे आपको एक क्वेश्चन बुक मिलेगी सो so क्वेश्चन बुक में नवंबर बाईस का पेपर कवर है आर टी पी मॉक कवर है मई तेईस के भी मई तेईस का कर ले पेपर कवर नहीं क्योंकि मई तेईस का सजेस्टेड अभी तक आया नहीं है वो अपन क्लास में कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं बाकी सारा चीजें कवर्ड है ओके मेन बुक इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज वी आर डूइंग इट योर एवरीथिंग इफ एनीथिंग फ्रॉम मेन बुक इज यू वॉन्ट टू स्टडी यू कैन टेक इट फ्रॉम द ऑफिस नहीं तो मैं लिखवा ही दूंगा सारी चीजें वैसे uh, जैमिन ऑफिस uh, में कल मेल कर देना मतलब फोन करके बता दो उनको तो दे विल रिप्लेस इट ओके नाउ सो द फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग इज ऑडिट ऑफ सीएफएस पॉइंट of CFS. So as a normal student, I have to just calculate my days. So 21 chapters. That means 21 days I will take. Close to 21 to 28 days, right? वन टू ट्वेंटी एट मेरे को इतना टाइम लग जाएगा क्योंकि कुछ चैप्टर एक दिन में नहीं होंगे कुछ चैप्टर शायद हो जाएंगे एक दिन में तो जब मैं पढ़ने बैठूँ तो मुझे इक्कीस से पच्चीस दिन रोज तीन घंटा दो घंटा टीचर के साथ एक घंटा खुद का every day, be at par with me. कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जब हमें से पढ़ रहे हो चलो मोबाइल पर देख रहे ठीक है जो लोग लैपटॉप पर देख रहे आई पेड पे देख रहे तो अपना का बंद कर दीजिए मेरे साथ पढ़ रहा हूँ बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ अगर आपके लिए सीए ही जिंदगी है तो तीन घंटा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए कोई मर नहीं रहा तुम्हारे लिए कोई इंस्टाग्राम मार्ग जुकैनबर्ग मतलब ट्विटर वाला ठीक है एल एन कोई मर नहीं रहा तुम्हारे लिए कोई वेट नहीं कर रहा है वहाँ पर ठीक है जिसके जो भी बाबू सोना है उनको बोल दीजिए कंट्रोल अभी नवंबर तक बिजी है अपन कंट्रोल चार महीना सूखा चलना है अपना ठीक है तो अभी इज्जत में पढ़ाई करने का नंबर टू वैन यू आर वॉचिंग एट होम पीपल प्लीज़ यूज़ ईयरफोन मेरा जोक का लेवल कब बढ़ जाएगा समझेगा नहीं तो प्लीज़ यूज़ ईयरफोन नंबर थ्री बहुत लोग का मजाक उड़ेगा स्पेशली बॉयज़ गर्ल्स सॉरी मतलब भाई नारी शक्ति जिंदाबाद अपन नहीं मस्ती करते बॉयज़ के साथ बॉयज़ इफ़ यू आर प्रॉब्लम चेंज योर जेंडर नंबर फोर आई रिस्पेक्ट यू यू रिस्पेक्ट मी सिंपल नंबर फिफ्थ वॉट एवर आई एम टीचिंग इट नेक्स्ट डे मैं आपसे केबी सी खेलूंगा के बी सी कौन बनेगा सी ए माइक ऑफ मतलब माइक ऑन करके मैं क्वेश्चन पूछूंगा रैंडमली किसी से भी तो प्लीज बी एट पार पता है बचपन में मम्मी अपना ओरल एग्ज़ाम लेते थे कभी दिया बचपन में मम्मी के साथ ओरल एग्जाम मम्मी पापा भाई बहन बड़ा भाई ट्यूशन टीचर कभी दिया एग्ज़ाम चाटा पढ़ता था ना सब ने दिया होगा बराबर और अपन क्यों पढ़ते थे डर से क्योंकि मम्मी से क्या होता था चप्पल बेल्ट ठीक है बेलन फिर वो कपड़े का मोगर ठीक है वो सेम सब से खाया होगा मतलब बॉयज ने तो खाया ही होगा बराबर सब ने किया होगा और वो डर से अपन हमेशा पढ़ते थे यहाँ वो वर्चुअल होगा बड़ा बीस लोग के सामने जब इज्जत उतरेगी ना तो वो चमाट से भी ज्यादा तकलीफ है पैप्सी का डंडा भी पड़ जाता था पैप्सी का डंडा कौन सा आता है स्टम्प भाई सब अजीता आपके घर वाले बड़े ही वाइल्ड है अच्छा सॉरी सो so, प्लीज आपको मेरे साथ ओरल एग्जाम देनी पड़ेगी कंटेंट याद होना चाहिए खाली बस एंड लाइव में क्या होगा देखो आप क्या करोगे 21 लोग को देख रहे हो ना आप अभी पच्चीस छब्बीस लोगों को भी दो कितने लोग को देख रहे हो कॉम्पिटिशन इतनों के साथ नहीं है कॉम्पिटिशन पूरा मुंबई पूरा महाराष्ट्र पूरा इंडिया दुबई सिंगापुर नेपाल करीबन पचास साठ हजार बच्चों के साथ कंपटीशन है पास पास परसेंटेज कितना है बेटा अपना पास परसेंटेज 11, फिफ्टीन ऑन हायर साइड ऑन हंड्रेड पीपल फिफ्टीन विल क्लियर एटी फाइव इज स्पेन तो जो भीड़ है वो फेल है भीड़ है वो फेल है तो जो भीड़ कर रही है वो नहीं करना है क्योंकि भीड़ फेल है भीड़ टेलीग्राम पर है भीड़ टाइम पास करके यूट्यूब पढ़ाई वाले नहीं हाँ हाउ टू बिकम सी इन थर्टी डेज फिफ्टीन डेज सेवन डेज डे वन डे विदाउट विदाउटिंग एंड ऑल वीडियो से अभी क्या होगा ऐसे नए नए जो बच्चे सीए बने होते हैं ठीक है तो वो लोग वीडियो डालेंगे सो so, वो उनकी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होती है उन्होंने जो फॉलो की इट मे और मे नॉट बे जेनरिक वन इट मे और मे नॉट बी एप्लीकेबल टू यू कोई बच्चा होता जो वो घर में घूम घूम के पढ़ रहा होता है कोई ऐसे बेड पर लेट के पढ़ता है वो जेनरिक नहीं होती एज अ टीचर अगर मैं बोलूँ मैंने इतने बच्चों को देखा है उन, उनसे ऑब्जर्वेशन आके हम एक जेनरिक स्ट्रैटेजी बनाते वो जो नए वाले बच्चे होते उन्होंने अगर अठारह घंटा पढ़ के इतने मार्क्स आ गए तो वो उनका दिमाग था उन्होंने एक अटैम्प्ट दिया है हम लोग सालों से देख रहे बच्चों को हर साल में दो अटेम्प्ट होते हम देखते हुए आ रहे यार बारह साल से पढ़ा रहा हूं मैं दो हजार ग्यारह बारह हाँ मतलब ग्यारह में तो इंटर वाले को पढ़ा दिया था दस में भी इंटर वाले को पढ़ा दिया था बारह से मतलब फाइनल से शुरू किया हुआ है दो हजार बारह से लेकर अभी तक इतने अटेम्प्ट हो चुके इतने बच्चों को देखा है तो वो बहुत जेनरिक स्ट्रेटेजी हम देते हैं पर कोई बच्चा का जो अभी सी ए बना उसको रैंक आ गया होगा अच्छे मार्क्स भी आ गए बहुत अच्छी बात है आपने मेहनत की है पर वो सबको एप्लीकेबल नहीं होती है आपको देखना देखिए कोई भी एक को देखे ना नहीं इसका भी स्ट्रैटेजी देखेंगे उसका भी देखेंगे इसका भी देखेंगे भाई टू मैन सूप खिचड़ी दाल नमक पानी किसी और का खिचड़ी बनना है फॉलो वन टीचर वन बुक प्लस मॉड्यूल ठीक है ए आई आर नॉट हार्म हिंदी में बोल रहे मेरे को इंग्लिश नहीं समझता है मतलब जिसको भी ए आर आई रिस्पेक्ट मतलब बहुत मेहनत से लाया यार ए आर आप सोच लो आपके लिए वो एप्लीकेबल होगी नहीं वो आपको डिसाइड करना होगा मतलब आई एम नो वन टू जज यू ऑन दैट एंड द पर्सन पसन गिविंग द सर ही इज आल्सो नो वन टू जज यू इट मे और मे नॉट बी एप्लीकेबल टू यू ओके ना ऑडिट ऑफ सी एफ एस हमारी बुक में थर्टी एट टू फोर्टी सेवन है तो पहले नंबर ऑफ चैप्टर्स देन नंबर ऑफ पेजेस सर साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता सबके साथ सी एफ एस आपने एफ आर में किया होगा ऑडिट में फोर मार्क्स फिक्स है दो मार्क्स का एम सी क्यू सिक्स मार्क्स का वेटेज है है ठीक वी टॉक अबाउट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन समवन टेल मी वॉट डू यू मीन बाय द वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वॉट इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लीज राइट इन द चार्ट वॉट इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सर देर आर फाइव थिंग्स इट्स ओके बेनिफिट इज रॉन्ग इट्स एफ्सो के नो वन इज एडो जज चैट में लिखो आपको दिखेगा कितना कॉम्पिटिशन है कितना दिखना चाहिए वो जेलेसी फैक्टर आना चाहिए, ये आंसर कर रही है ये आंसर कर मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ भले रॉन्ग होगा लिखो लिखो सर बैलेंस शीट है सर पी एन एल होता है कैश फ्लो होता है नोट्स होता है एंड सोकी so होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बैलेंस शीट पी कैश फ्लो नोट्स एंड सोके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ओके नाव सबसे पहली बात अगर हमारी कंपनी है ए बी लिमिटेड ओके ए बी लिमिटेड हमारी कंपनी है नंबर वन कंपनी ऑफ वर्ल्ड ब्रांचेस पैन वर्ल्ड नंगालैंड युगांडा अफ्रीका ओके नाउ ये कहानी है उस जमाने की जब आई है सिंगल प्यार हो गया कन्या पसंद आ गई उसका नाम था बेबी सो so एक दिन रस्ते से मैं जा रहा था बेलपूड़ी खा रहा था मिर्ची लगी हल्का होने के साइड में हुआ वहाँ देखा बेबी को मैंने देखा बेबी को बेबी ने मेरे को देखा दोनों एक दूसरे को देख लिया देखते देखते वो हो गया प्यार मेरे को रे मेरे को लॉन्डो को तो पहले प्यार हो जाता है ना उनको तो हर हर लम्हों में प्यार हो जाता है हर रोज प्यार हो जाता है हो गया अपने को मैंने बेबी को बोला बाइक पे था मैं आ जाओ बेबी आ जाओ तुझे लंदन घुमा दो बेबी बोली बक ठर मना कर दिया सैंडल निकाल के मारा सैंडल निकाल के यहाँ निशान है अभी भी मेरे को निशान है प्यार हो गया अपने को तो यही चाहिए भाई ने पता क्या बेबी का एक कंपनी है बेबी लिमिटेड है कुछ भी करने का पर अपना ईगो नहीं हट करने का सो आई वॉन्टेड बेबी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस सो सरकमस्टेंसेस आई डिड आई स्टार्टेड पुटिंग इन्वेस्टिंग मनी इन बेबी लिमिटेड तो मैंने क्या किया मोर देन मोर देन बच्चों कितना मोर देन मोर देन मोर देन मोर देन मोर देन मोर देन फिफ्टी परसेंट ने बेबी में इन्वेस्ट कर दिया भैया अब क्या हुई हम बेबी को होल्ड कर रहे हैं जब हम बेबी को होल्ड कर रहे हैं हम कौन सर होल्डिंग कंपनी

अब जैसा एबी बोलेगा वैसा ही करना पड़ेगा बराबर अब बेबी अपनी अब क्या हो गया बेबी के साथ ये भी अपना खुद का एफ एस बनाएगा बराबर तो उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्टैंड अलोन एफ एस वेन यू प्रिपेयर योर ओन एफ एस इट इज कॉल्ड वॉट स्टैंड अलोन एफ एस सर बेबी लिमिटेड एस हर ओन एफ एस इन इंग्लिश इज कॉल्ड एज वॉट स्टैंड अलोन एफ एस स्टैंड अलोन एफ एस करेक्ट बट एवरी किड नो इन द एंटायर इंडिया नो सर एबी एंड बेबी का मिलन दे हैव कम टूगेदर इट इज बेसिकली टू बॉडी वंस वॉट विल है सर इनका सी एफ एस भी होगा कंसॉलीडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बनेगा इनका सी एफ एस वेरी गुड कंसॉलीडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होगा नो माई क्वेश्चन इज हुए सी एफ एस

Now, don't write all this. It's all basic. Okay, it will not come in the exam. Answers? क्या लिखने में आपको बाद में बताऊँगा. So management of AB, management of AB will prepare the CFS. Now, sir, अब क्या हुआ? Sir, देखो अब AB और BB जब एक हो गए हैं, तो, sir by product भी तो आएगा. By product भी तो आएगा. What happened? BB invested. BB invested. More than fifty percent. बेबी इन्वेस्टेड मोर देन फिफ्टी परसेंट इन संता लिमिटेड आई हैव टू के या आई कैन डू नाउ नाटा इज कमिंग वेरी सुन सो संता लिमिटेड में मोर देन फिफ्टी परसेंट बेबी ने इन्वेस्ट कर रखा है मेरे को बताओ हु इज द फादर ऑफ संता संता का बाप कौन प्लीज टेल मी हु इज हुर ऑफ संता किस क्या पता बे बेहया निर्लज निर्दय आदमी भगवान पाप देगा तेरे को पाप पाप देगा सर हु इज द फादर ऑफ संता सर ए बी लिमिटेड दैट मींस कौनसो कौनसोल और ए बी लिमिटेड हु विल प्रिपेयर द कौनसो बी करेक्ट तो सर बेबी इज कॉल्ड एज सब्सिडरी कंपनी संता इज कॉल्ड एज सब सब्सिडरी कंपनी

सुकेश आर यू अंडरस्टैंडिंग बिकॉज सुकेश इज फ्रॉम साउथ सुकेश आर यू अंडरस्टैंडिंग लिटिल लिटिलकेश आ ग्रेट नाउ इमेजिन रिमेंबर माई वन गोल्डन रूल ना वट है बॉम्बे से चेन्नई चेन्नई से देन हैदराबाद सम्स अहमदाबाद डेह नागपुर अब हम जाते हैं तो भैया माहौल तो बनता ही है तो क्या हो जाता है हर हर छह महीने में मोर देन फिफ्टी परसेंट भी इनवेस्ट सो लॉस इज रूल इज सर वेर एवर यू हैव योर किड वेर एवर यू हैव योर किड सर किड द स्मॉल किड सर और द किड और द फुल किड और द फॉरेन किड और द फॉरेन किड लंडन में जाते रहते अपन सर किड मतलब इन अर्थात इन हिंदी मेरा बच्चा किधर भी हो मेरा बच्चा किधर भी हो कैसा भी हो मेरा बच्चा बच्चों किधर भी हो कैसा भी हो कौन सो तो करना ही है ठीक है मेरा बच्चा किधर भी हो कैसा भी हो कौन सो तो करना ही है सर बच्चा मतलब किड किड मतलब सर क्या हो गया आपका सब्सिडरी सब्सिडरी सर छोटा बच्चा मतलब सर एसोसिएट कैन टेल मी एसोसिएट एट व्हाट परसेंटेज डू वी बिकम एसोसिएट एट वट बिकम असोसिएट आकाश रॉन्ग हो आप अजीत आप रॉन्ग हो अंतरा आप रॉन्ग हो आई थिंक स्वाति आप भी रॉन्ग हो विशाल राइट है मनीषा जी आप रॉन्ग हो जैमिन रॉन्ग हो यू बिकम असोसिएट मोर देन और ट्वेंटी परसेंट कमनीक के हिसाब से कमनीज के हिसाब से सर आप सब्सिडी कितने बन दो मोर देन फिफ्टी परसेंट मैं आपको एमसी की रिकॉल करवा रहा हूँ सब्सिडी यू बिकम मोर देन फिफ्टी पे ट मोर देन टू ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो क्या बन जाएगा मेरा सो ट्वेंटी टू फिफ्टी इज एसोसिएट मोर देनिफ्टी इज सब्सिडरी मोर देनिफ्टी इज सब्सिडरी सर मेरा पूरा बच्चा पूरा बच्चा मतलब सर होली क्या बच्चों एट वॉट परसेंटेज डू बी बिकम होली ओन सब्सिडरी मोहित जोशी ये पक्का पक्का मिल जाएगा टेंशन मत लीजिए कल मिल जाएगा आपको सर हंड्रेड परसेंट करेक्ट सर हंड्रेड परसेंट सर फॉरेन किड मतलब सर विदेश का सब्सिडरी विदेश का एसोसिएट विदेश का जॉइंट मैं I mean, भी आएगा और एक है मैंने नाजायज बच्चा सर नाजायज बच्चा इस कॉलेज जॉइंट वेंचर इन इंग्लिश कॉलेज किड लेजी किड सो so, आपका बच्चा किधर भी हो छोटा बच्चा बच्चा पूरा बच्चा नाजायज बच्चा विदेश वाला बच्चा बच्चा किधर भी हो सर होल्डिंग कंपनी होल्डिंग कंपनी आपको तो कौनसो करना ही है आपको तो कौनसो करना ही है कंपनीज का एक सेक्शन है वो सेक्शन मैं आपको भी सिखाता हूं सेक्शन है 129. कौन सा बच्चो वन ट्वेंटी सर्विच एक्ट ऑफ कंपनीज पूरा लिखने का एग्जाम ऑफ कंपनीज एक्ट थर्टीन सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बहुत सिंपली कहता है सर, इफ यू आर अ होल्डिंग कंपनी एंड इफ यू अ सब्सिडरी और एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर यू हैव टू मैंडेटरी प्रिपेयर कौनसो कोई एग्जाम्शन नहीं अभी तक जो रूल बना कोई एग्जाम्शन नहीं आपको कौनसो करना है करना है करना है करना है सर लिखा हुआ ये सेक्शन वन ट्वेंटी में कौन से एक्ट का तो कौन करना ही है या आपके पास ज्वाइंट वेंचर हो सर कोई भी आपको को आंसर करना ही है एनी डाउट टिल गाइस एनी डाउट समझ आ रहा है आपको पूरा समझ आ रही चीजें ग्रेट नाउ सर अब हम बात करते हैं एग्जामेशन फ्रॉम कौनसो की जॉइंट वेंचर का भी करना है कौन ही करना है कौ, कौनसो तो होल्डिंग कंपनी करेगी जॉइंट वेंचर का भी करेंगे अगर मेरे पास कोई जॉइंट वेंचर है तो उसको भी बुक्स अपने को अपनी में मर्ज करना पड़ता है ठीक है अब हम बात करते हैं एग्जामेशन की तो सर एक आएगा एग्जामिशन अंडर कंपनीज एक्ट ट्वेंटी थर्टीन और एक आएगा हम लोग को एग्जामिशन अंडर इंडिया वन वन जीरो कंपनी थर्टीन एंड इंडिया वन वन जीरो सर हम बात कर रहे हैं पहले कंपनी देखो एक कंपनी है ए लिमिटेड एक कंपनी है बी लिमिटेड मोर देन और इक्वल टू अगर 100 परसेंट इन्वेस्ट कर रखा है या मोर देन 50 परसेंट इन्वेस्ट कर रखा है ए ने बी में सो so, या तो बी ओन सब्सिडरी -e है या तो बी सब्सिडरी है करेक्ट ए ने अगर मिनिमम मतलब मोर देन हंड्रेड परसेंट इन्वेस्ट कर रखा है बी में या मोर परसेंट अगर इन्वेस्ट कर रखा है ठीक है सो बी बिकम होली ओन सब्सिडरी और सब्सिडरी इधर ऑफ द केस आप मेरे को चैट में लिख के बताओ सो कौन करेगा हु डू द कौनसो सर ए विल डू द कॉन्सो करेक्ट मैनेजमेंट ऑफ ए लिमिटेड विल डू द कॉन्सो क्लियर इतना चीज वेरी गुड नाउ इमेजिन बी ने सी में कुछ इन्वेस्ट कर रखा सर मोर देन फिफ्टी परसेंट मोर देन फिफ्टी परसेंट तो सर सी बिकम्स दब्सिडरी एंड बी बिकम्स होल्डिंग कंपनी तो पिक्चर में बी और सी है बच्चो खाली बी और सी है बी ने मोर देन फिफ्टी परसेंट सी में इन्वेस्ट कर रखा है बी हो जाएगी आपकी होल्डिंग कंपनी सी हो जाएगी आपकी सब्सिडी कंपनी अब आप मेरे को बताइए कौन सो कौन करेगा इस एग्जाम्पल के हिसाब से इस एग्जाम्पल के हिसाब से मैनेजमेंट ऑफ बी परफेक्ट कौन करेगा सर मैनेजमेंट ऑफ बी ओके पिक्चर में अगर बच्चों ए और बी है ए और बी है जस्ट राइट द अल्फाबेट कौनसो कौन करेगा परफेक्ट वेरी गुड ए पिक्चर में बी और सी है तो कौनसो कौन करेगा बी वेरी गुड बच्चों पिक्चर में पूरा है ये ए बी सी अब आप मेरे को बताओ कौनसो कौन करेगा कौनसो कौन करेगा सर कौनसो करेगा जैमिन आप रॉन्ग हो ए वेरी गुड अंबिका वेरी गुड अंतरा आई थिंक कौनसो कौन करेगा ए कौनसो कौन करेगा ए कौनसो कौन करेगा बच्चों? ए दैट मीन्स कौनसो किसने नहीं किया कौनसो किसने नहीं किया सर कौनसो बी ने नहीं किया दैट मीन्स बी इज

और वन मेंबर अंडरस्टैंड बी विल टेक नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम ऑल द मेंबर्स और वन मेंबर सर वन मेंबर का पॉसिबल होगा वन मेंबर का पॉसिबल होगा जब ए ने पूरा हंड्रेड परसेंट होल्डिंग ले रखा है करेक्ट जब ए ने पूरा हंड्रेड परसेंट होल्डिंग ले रखा है तो सर बी के जो शेयर होल्डर्स है उसमें तो एक ही आदमी है वो कौन है सर ए तो ए के पास जाएगा बी ए सुनना

so they will take the noc basically from everybody they have to take the noc from everybody that we are not doing console with c we are not doing console with c end number 2 b is not a listed company or not wanting to get listed that means बी ना तो लिस्टेड कंपनी है ना उसकी इच्छा है लिस्ट होने की बच्चों ना तो वो लिस्टेड कंपनी ना उसकी इच्छा है लिस्ट होने की मतलब इन नियर फ्यूचर एंड द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी क्या बोलेंगे अपन द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी प्रिपेयर सी एफ एस द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी प्रिपेयर सी एफ एस हिंदी में समझ ठीक है सोल ट्रांसलेट फॉर यू इन इंग्लिश लेटर ऑन लिसन ये दादाजी है ये पापा है बी और सी इज द बेटा सी इज द बेटा ओके गाइज अगर घर में दादाजी होते घर में अगर दादाजी होते हैं घर में अगर पापा है घर में अगर बेटा भी है लाइक दहिरा के दादाजी पापा एंड द बेटा बेटा इज द सन तो पूरे घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आ जाएगी पूरे घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आएगी करेक्ट सर दादाजी पर आ जाएगी दादाजी पर आएगी ना दादाजी दैट मीन्स जीवन कौन जी रहा है पापा पापा इज एग्जाम पापा इज एग्जाम पापा इज एन जीवन दराइ सी बेटे का तो कुछ है नहीं बेटा तो वैसे आवारा होता है पापा तो आवारा होते हैं ना तो अपने बारे में कोई सोचेगा हमको करना है दादाजी पापा में तो सर दादाजी विल डू द कौन सो हु डू द कौन सो ए लिमिटेड अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी विल डू द कौन सो अच्छा सर दादाजी लाइक माई दादाजी ठीक है वो है बैंकॉक में वेरी ब्यूटिफुल कंट्री वेरी नाइस पीपल

पूरे घर का रिस्पॉल किस पर आ जाएगा सर पापा देन बी हैव टू डू कौनसो देन बी हैज टू डू कॉन्सो अंडरस्टूड द लॉजिक इफ यू हैव अ ग्रैंड फादर एट होम द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ए लिमिटेड द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी विल प्रिपेयर दैट बी बी इज एग्जैम्प हम क्या बोलेंगे सर बी इज एग्जेम दैट मीन्स इंटरमीडियट इज एक्जेम बट इफ माई अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी इज अ फॉरिन कंपनी इन इन आउटसाइड इंडिया That means company sector is not applicable to them. If company sector is not applicable to them, then intermediary has to do the CFA. This exemption is given under which guys? Under company sector. This is the only exemption from preparing CFS. I'll do it again. Okay. I'll do it again so that आपका भी revise हो जाएगा. Okay. आराम से मेरे साथ बोलते रहना. अगर picture में A और B है, picture में अगर A और B है, तो कौन सा करता है A? Picture में अगर B और C है, picture में अगर B और C है, तो कौन सा करता है B? पिक्चर में अगर ए और बी है तो कौन सो करता है ए पिक्चर में अगर बी और सी है तो कौन सो करता है बी सर अगर पिक्चर में पूरा है तो कौन सो करता है ए अगर ए कौन कौनसो किया दैट मीन्स बी ने कौन सो नहीं किया अगर बी ने कौन सो नहीं किया तो बी इज एग्जेम्प्टेड फॉर गेटिंग एक्जैम्पन सो बी हैजू सैटिस्फाई थ्री कंडीशन नंबर वन एन ओ सी फ्रॉम ऑल द मेंबर्स और वन मेंबर इनकेस हंड्रेड परसेंट सब्सिडी है तो एंड एंड द इंटरमीडियर इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी और नॉट वॉन्टिंग टू गेट लिस्टेड एंड the hey. ultimate holding company like the dada ji dada ji prepare cfs then intermediary is exempted question bahut specific hota hai wo kehta hai ki write exemption about companies act then you have to write this guys is it clear any doubt guys bhai sahab tumne paise pure bhare ha तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो कोई doubt हो please ask me, please. You have paid full fees. okay? हम क्या करेंगे इक्कीस चैप्टर देना तो ऐसा करते सात सात का गैप बना लेते हैं सात चैप्टर बाद टेस्ट दो फिर सात चैप्टर बाद टेस्ट दो फिर सात चैप्टर बाद टेस्ट दो इज इट फाइन और एक है ना फिर 21 चैप्टर का पूरा एक बता फिर फुल सिलेबस का एक तो सात सात मैं मैं भूल गया मेरे को याद रहना जब सात चैप्टर हो होगा अपने टेस्ट लिखेंगे पैसा नहीं देगा मैं फ्री में फ्री, में, फ्री मेरे पगले फ्री में हम टेस्ट सीरीज नहीं चलाते ढाई सौ रुपया ढाई सौ रुपया डेढ़ सौ रुपया डेढ़ सौ रुपया डेढ़ सौ रुपया भाई साहब वो टेस्ट ऐसा हंसी आता हंसिया मतलब तो इंस्टीट्यूट के मॉडल के क्वेश्चन उठा के बोलते हैं कि भाई मेरे पेपर से आए मेरे टेस्ट से भाई साहब और बच्चा भाई साहब भाई साहब इसी के ज्वाइन करते ढाई सौ रुपये में वो पेपर भी बना के देगा ठीक है वो वो पेपर भी बना के देगा आपको वो चेक भी करके देगा भाई साहब तो अंडरस्टैंड द लेवल वो क्या है और क्या है क्वेश्चन नंबर टू ए नवंबर बाईस का क्वेश्चन नंबर टू बी मई बाईस का क्वेश्चन नंबर टू सी जुलाई इक्कीस का हो गया टेस्ट रेडी और बच्चे ए भाई साहब क्या क्वेश्चन था क्या अब कोई क्वेश्चन नहीं है पास पेपर का क्वेश्चन इट्स लॉजिकल ना इमेजिन वी टीचर्स डोंट एनी न्यू क्वेश्चन राइट हाउ कैन दे हैव अ न्यू क्वेश्चन एंड नया क्वेश्चन आएगा भी कहाँ से मतलब आईसीआई सी आई लेकर आता ना पेपर में तो नया क्वेश्चन मतलब ऑडिट में क्या ही नया क्वेश्चन होएगा अभी सीएफएस में बारह आंसर है ठीक है वो बारह में घूमेगा जो भी घूमेगा नहीं सर अरे बाहर से अरे क्या बाहर से आया भाई वो बाश पेपर का एक क्वेश्चन होता है बाकी जिन्होंने ले लिए भगवान उनकी आत्मा को शांति थी आर आई पी ठीक है करेंगे मैंने अपनी करेंगे पेपर भी करेंगे डोंट वरी सो अगर क्वेश्चन में बोलता है एग्जामेशन अंडर कंपनी से तो भाई साहब ये ये कंडीशन लिखनी है अब आता है इन डेज वन वन जीरो भाई साहब तुम्हारे एफ आर बहुत लोग का तो एफ आर चल रहा होगा ना सर अटेम्प्ट चले गए पर एफ आर नहीं चले अभी तक एफ आर ही चल रहा है हमारा ढाई सौ घंटा आज ही मैंने किसी बच्चे से बात किया राधे जब वो वीडियो देखो रिकॉर्डेड ले रहा है तो राधे जब आप वीडियो देखोगे मेरे को याद करोगे बोलता है सर चार सौ घंटा हो गया खत्म ही नहीं हो रहा है अभी तक एफ आर चार सौ घंटे का एफ आर आई का मतलब कोई बात नहीं दिवाली तक तो खत्म हो जाएगा डोंट वरी तो इंडियस 110 वन वन जीरो हमें क्या कहता है सो so, अगर इंडियस की बात होती है तो सर इंडियस में एक ही एग्जाम्शन है क्या है सर वो इफ यू आर एन इन्वेस्टमेंट इफ यू आर एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी गाइज वॉट यू आर यू आर एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी अगर आप एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो तो आपको कौन सा करने का जरूरत नहीं है सर इन्वेस्टमेंट एंटिटी मतलब भाई साहब धंधा है धंधा है पर गंदा है क्या करने का भी क्या है रोज मन किया प्यार हो गया किसी में पच्चीस टका डाल दिया भैया अब पच्चीस टका डाल दे तो क्या बन गए वो अपने सर असोस बन गए ना एक सेकेंड क्यून यू करेक्ट मी इन द चैट ट वॉट परसेंटेज डू बी बिकम असोसिएट प्लीज करेक्ट मिन द चैट क्या बहुत बहुत... बच्चों को बचाओ भगवान बचाओ साहब मोर देन ट्वेंटी नहीं मिनिमम ट्वेंटी मिनिमम ट्वेंटी मिनिमम ट्वेंटी मूड आ गया सर अपन क्या किए मोर देन फिफ्टी इन्वेस्ट कर दिए तो क्या बन गए सब्सिडी सर किसी पे तो एकदम अंधा प्यार हो गया फूल फूल नहीं कर दिया अपन पूरा उसको वह पूरी की पूरी ले लिया अपन ने होली एंड सब्सिडरी हंड्रेड परसेंट अब मेरे को पता है ये कंपनी भागेगा भागेगा अगले क्वार्टर में समझ समझते ना क्वार्टर बॉइस क्वार्टर एक क्वार्टर इस साल में चार क्वार्टर एक क्वार्टर तीन महीने का होता है ठीक है सर अगले क्वार्टर में अगले क्वार्टर जो घर पे बच्चे देख रहे हैं भैया देखो आरती का समय है प्लीज़ यूज़ ईयरफोन पता चले पापा पीछे से पूछा कर ओहो क्वार्टर की बात हो रही है देखो मारवाड़ी गुजराती भाई बहन अपने घर पे पारिवारिक मॉल होना चाहिए तो इसलिए प्लीज़ यूज़ ईयरफोन प्लीज़ यूज़ ईयरफोन ठीक है नहीं तो क्या अगर लाफा तुमको ही पड़ेगा मेरे को ही पड़ेगा दोनों तो को पड़ेगा अच्छा नहीं लगता ना अपने को तो सर अगले क्वार्टर में मेरे को पता है ये मेरे को पैसा डबल करके दे देगा नॉ इमेजिन मैंने इसको इन्वेस्ट किया पंद्रह जैन को

पर मेरा इंटेंशन क्या है सर मेरा इंटेंशन कि अप्रैल मई में क्या आएगा सर मोदी जी बर मेगा, मेगा बरसो रे मेगा अरे मार्च में अडानी का कांड अप्रैल में भाग गया अप्रैल में तो भाग गया ना भाई साहब वैसे सा, होगा सर तीस दिन में पैसा डबल लक्ष्मी चेट फंड पर सर प्रॉब्लम इकतीस मार्च है ना क्योंकि इकतीस मार्च में तो सर इन्वेस्टमेंट दिख रहा है अपना दिख रहा है कौन सा करना चाहिए नहीं क्यों

ये रास्ता जहाँ ले लिए मंजिल वहीं बन जाती है अपनी तो क्या किए हम अभी गए थे अहमदाबाद वहाँ पर अपन ने किसी में पच्चीस परसेंट इन्वेस्टमेंट किए समझ रहे हो ना भाई समझ रहे थोड़ा समझ रहे फिर हम आए चेन्नई चेन्नई पर पचपन टका इन्वेस्ट कर लिए ओके सो ए लिमिट ए वन ले लेते ले इसको इसको अपन सी वन ले लेते नई कंपनी एक फिर अपन जाएंगे नेक्स्ट जाएंगे पूना पूना में अपन ने सात परसेंट इन्वेस्ट कर दिया इसको अपन लेते पी वन सो so, अपना तो बिजनेस है ना सर अपना तो बिजनेस है तो सर ए बी लिमिटेड यू आर एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी सो यू डोंट हैव टू डू कॉन्सो एज पर इंडियस वन वन जीरो एज पर इंडियस वन वन जीरो यू डोंट हैव डू कॉन्सो ओके पर क्या है मेरे ऊपर है ना मम्मी मम्मी आई मम्मी आई चा आशीर्वाद मम्मी लिमिटेड तो मेरी एक होल्डिंग कंपनी है ठीक है तो एवी लिमिटेड की बच्चों एक होल्डिंग कंपनी है मम्मी लिमिटेड भाई साहब सबकी होल्डिंग कंपनी मम्मी होती है ठीक है मम्मी लिमिटेड है अब माई क्वेश्चन इज ए बी इज एक्ट बिकॉज ए बी इज वॉट इज एवी आई करेक्ट इन्वेस्टमेंट एंटिटी वेरी गुड वेरी गुड इन्वेस्टमेंट एंटिटी एंडिटी है अब क्वेश्चन ये है कि ए बी तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो गया उसको तो कौनसो नहीं करने का क्या मम्मी को कौनसो करना पड़ेगा क्या मम्मी लिमिट को कौनसो करना पड़ेगा यस और नो मयंक कहता है नो बाकी सब कह रहे हैं यस बाकी लोग क्या कह रहे हैं पलक जी कह रही है है यस 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 स्वाति मयंक सबने बोला यस तो मयंक आपका जो आंसर है बिल्कुल एकदम गलत है बड़ा गलत है मम्मी को तो कौनसो करना पड़ेगा ना मम्मी थोड़ी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है मम्मी तो मेरी होल्डिंग कम नहीं है हाउ डू बिकम होल्डिंग सब्सिडी जस्ट फिफ्टी वन परसेंट डाल रखे उन्होंने बराबर तो भैया मम्मी को तो कौनसो करना पड़ेगा बट मम्मी बोलती है नहीं 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 मेरे को भी कौन सा नहीं निकलने का मेरे को ऐसा पढ़ने का ही नहीं सब लफड़े में ये, मेरे को आता ही नहीं है जे एफ आर मेरे को नहीं पढ़ने का मेरे को नहीं पढ़ने का है तो भैया मम्मी खुद मम्मी खुद कौन होनी चाहिए सर मम्मी खुद होनी चाहिए मम्मी खुद होनी चाहिए क्या इन्वेस्टमेंट एंटिटी मम्मी खुद क्या होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट एंटिटी इन सिंपल वर्ड्स आई विल रिपीट इन इंग्लिश फॉर सुकेश या ट्राइंग एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी इज एग्जेम्प्टेड अंडर एग्जामो okay investment entities exempted from doing consolidation as per india's 110 but its holding company investment entities holding company has to do consolidation but if the holding company like investment entity holding company do not want to do consolidation it itself should be an investment entity it itself should be an investment entity understood this much guys any doubts?

आउट ऑफ फोर्टी मार्क्स थर्टी फोर मार्क्स लेफ्ट ओह सुकेश भावना में बह गया ही कोई नहीं इंग्लिश बॉय है अपना जिनके पास बुक नहीं है फॉर द चैप्टर आप खाली टेंशन मत लीजिए ये आप मेरे साथ स्क्रीन पे से पढ़ेंगे आई विल शेयर द ओपन पी डी एफ फॉर दिस ठीक है कुछ चीजें खाली रीड है जहाँ से क्वेश्चन बनेगा अपन नंबरिंग करते जाएंगे बाद में आप नंबरिंग कर लीजिएगा सो so, क्या कहते हैं देखो माई फर्स्ट क्वेश्चन से इन डेज वन वन जीरो क्या कहता है सर सी एफ एस इंक्लूड्स फाइव थिंग्स कंसोल बैलेंस शीट कंसोल पी एन ये सब क्वेश्चन लिखा है नॉलेज के लिए ठीक है होता है ना जब गाड़ी चल रही होती है ट्रेन चल रही होती है तो इंजन में कोयला डालना पड़ता है कोयला है आपका रीड करने के खाली कंसोल्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट सोकी इफ़ एप्लीकेबल एंड नोट्स हमने जो बात किया पी एन एल बैलेंस शीट कैश फ्लो नोट्स सोकी ये आपका एफ एस का मतलब है ये आपका सी एफ एस का मतलब है आगे क्या चिपने का कंसोलिडेशन अब आप मेरे को पता ही आएगा क्या एग्जाम में राइट वॉट इज इंक्लूडेड इन सी एफ एस नहीं तो क्या ऐसा है बस वो होता ना जब हवन कर रहे होते अपन स्वाहा भस्म करते ना पर पहले बस वो ये नारे वाले चढ़ाते ना ये वो अचीव है बस अभी आग तो आगे लगेगी ना आगे 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 आठ ठीक है नौ फिर ये भी खाली ज्ञान है फुल रीड करने का खाली सर सी एफ एस मैंडेटरी अंडर कंपनी कमनिट सो विथ सेक्शन विच स्टडी सर सेक्शन इज वन ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी सर विच एक्ट कंपनी इज एक्ट यार ट्वेंटी थर्टी वेर आर कंपनी हैजन और मोर सब्सिडीज इंक्लूडिंग एसोसिएट तो सब्सिडीज यू बिकम एट मोर देन फिफ्टी परसेंट असोसिएट यू बिकम एट ट्वेंटी मोर देन और इक्वल टू सो आई विल राइट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग इफ समन सोट यू कैन राइट देयर ऑल्सो मिनिमम ट्वेंटी लिखना क्या है कैसे लिखना मैं लिखवाऊंगा तुम टेंशन मत लीजिए खाली मैं भी बुक जिसके बाद वो मार्क कर सकता मेरे साथ एंड ज्वाइंट वेंचर

सर मोटाटिस मोटाट मतलब सेम एज इट इज़ किसको अप्लाई होएगा सर वो सी एफ एस को भी तो जो जो बातें मेरे को अकेले को एप्लीकेबल वो मेरे सी एफ एस को भी एप्लीकेबल होगी देन द सी एफ एस शैल बी अप्रूव बाई दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिफोर बिफोर दे आर साइन ऑन द बिहाफ ऑफ बोर्ड तो पहले उसको वो अप्रूव करेंगे बाद में साइन करते एंड देन हम उसको कहाँ रखते हैं ऑडिटर का साइन लेके उसको अपन ए जी एम में प्रेजेंट करते हैं कुछ भी बोलते प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है ही नहीं तुमको भी पता है प्रैक्टिकली पहले ऑर्डर कर लेता है <laughs> फिर बोर्ड साइन कर लेता है फिर देखेंगे भेजने का तो भेजेंगे अपन ये सब क्या है किताब में लिखा हुआ है सो फॉर द नॉलेज ऑफ द बुक्स एंड फॉर द एग्जाम पढ़ने का ऐसा ही बोलने का पहला बोर्ड उसको क्या करेगा अप्रूव करेगा फिर वो साइन करेगा फिर ऑर्डर अप्रूव करता है फिर वो अपने एजीएम HM में ले कर देते हैं प्रेजेंट मतलब, मतलब, कर देते Then, फिर ये आपका एक एम सी क्यू आ जाएगा द कंपनी का मतलब होता है उंट्स ऑफ कंपनी वन सो अच्छा देखो क्या होता है जब हम लोग अपना एफ अपलोड कर रहे होते हैं तो अपने को एओसी वन में सब्सिडी के इंपॉर्टेंट डिटेल्स लाइक सेल्स का डिटेल्स प्रॉफिट का डिटेल्स आता है देन शेयर होल्डर्स फंड वो अपने को डिटेल देनी पड़ती है उसको एओसी वन में तो ये आपका एमसी क्यू है सेलियंट फीचर्स ऑफ सब्सिडरीज सेलियंट फीचर्स ऑफ द एफ एस ऑफ दब्सिडी कहां जाएगा बच्चा एओ सी वन में देन सी एफ एड बी मेड एज पर शेड्यूल थ्री टू दैट एंड एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी है अब आप मेरे को बताओ ये जो है ये वाली जो स्लाइड है पेज नंबर थर्टी नाइन वाली जो स्लाइड है पॉइंट नंबर टू इसमें से कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन दिख रहा है आपको यू आर इन सी एफ एंड यू कैन जज नाउल एसी वन एम सी यू नो एम टॉक डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव नहीं तो क्या होता है जब आप पहली बार पढ़ रहे होते हो बस एक बार रीड के लिए समझ में आएगा क्या होता है बस दैट्स इट फिर जहाँ चैप्टर होते हैं वहां से आपको रिविजन सी हम स्ट्रैटेजी के बना रहे हैं रिविजन की भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं हमारी कि रिवाइज कर दे रहे हमको कितना पढ़ना होता है बिकॉज ही एवरीथिंग कांट भी रिवाइज ऑन द एग्जाम डे ना तो मेरा यहां से पहला क्वेश्चन बनता है मेरा ये बनता है पहला क्वेश्चन तो मैं आपको लिखवाऊंगा यहाँ पर लिखवाऊंगा डो नॉट वरी द रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द प्रिपेरेशन ऑफ द सी एफ एस शेल नॉट अप्लाई टू कमनी इफ इट मीट्स अ फॉलोइंग कंडीशन अंडर 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 कमनीज एक्ट ट्वेंटी थर्टी बच्चों क्या ये अंडर कमनी जग ट्वेंटी थर्टी तो कमनी जग वाली एग्जाम्शन है याद करो अगर डायग्राम याद होगा ए बी सी याद है दादाजी पापा बेटा घर में अगर बच्चों दादाजी है तो कौन सा कौन करेगा कौन सा कौन करेगा दादाजी तो पापा एग्जेम्प्टेड है बराबर तो देखो वही लिखा हुआ है इफ इट इज अ होली ओन सब्सिडी मतलब हंड्रेड परसेंट और इट इज अ ओन ऑन सब्सिडीस मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ एंड ऑल इट्स अदर मेंबर्स इंक्लूडिंग नॉट टू वोट लाइक जिनको वोटिंग पावर भी नहीं है उनको बता दिया कि हम लोग कौनसो नहीं कर रहे हैं एंड द प्रूफ ऑफ डिलीवरी सच इंटीमेशन इज अवेलेबल विद द कंपनी दे डू नॉट ऑब्जेक्ट मतलब सिंपल भाषा में एनओसी लेकर आते हो डू नॉट ऑब्जेक्ट नॉट प्रेजेंटिंग द सी एफ एस बी अपने मेंबर से मांगेगा कि देखो हम कौन सो नहीं कर रहे है हम कौनसो नहीं कर रहे है आप ध्यान रख लीजिएगा हम सी के साथ कौन सो नहीं कर रहे है? आपको कोई दिक्कत तो नहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं बे नॉट डूइंग द कौनसो ये एंड इट इज द कमनी हुआ आर नॉट लिस्टेड और दे आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया ठीक है तो ना तो वो लिस्टेड है ना उसकी इच्छा है लिस्ट होने की एंड इट्स अल्टीमेट मतलब अगर दादाजी है तो या फिर अगर दादाजी नहीं तो फिर इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी तो हम तो हमेशा बोलेंगे कि अगर अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है तो सर सी एफ एस कौन फाइल करेगा अपना अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी तो द पापा इज एग्जैम तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया एग्जामेशन अंडर कंपनी सेट नंबर टू क्वेश्चन

फिर नीचे डेफिनेशन दे रखी थी है उसने इन्वेस्टमेंट एंटिटी की याद होती है ठीक है तो अपनी ओन भाषा में डेफिनेशन लिख आ जाना सर इन्वेस्टमेंट एंटिटीज एन एंटिटी दट ऑब्टेन फंड फ्रॉम वन आर मोर इन्वेस्टर्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग दोज इवेस्टर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज या कमिट्स टू इट्स इन्वेस्टर दैट भैया जो पैसा जो ले रहे हैं हम लोग इट इज सोली फॉर द रिटर्न फ्रॉम द कैपिटल अप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट इनकम और बोथ एंड क्या करता है वो सारी इन्वेस्टमेंट को कैसे वैल्यू करता है एफ पी टी पी एल से फेयर वैल्यू थ्रू पी एन एन बेसिकली इंडिया वन जीरो नाइन के थ्रू तो ये डेफिनेशन है इन्वेस्टमेंट एंटिटी की ये पर की डेफिनेशन कॉपी की हुई है तो ये याद होते ठीक है, है ना तो आपको प्रोविजन पता होना चाहिए आपको क्वेश्चन नंबर और समझा बच्चों कोई डाउट सुकेश एनी डाउट hmm. अब क्या होगा जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैं आपको बताऊँ ठीक है जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन uh, आता ना हमारा प्रॉब्लम क्या है लाइक like पीपल जब मैं इसको लिखूंगा एग्जाम में uh, ये वाला इंडिया को सो आई राइट इंडिया आई मीन एज पर इंडिया इन्वेस्टमेंट एंटिटी इज एक्जामीपेर सी एफ एस होल्डिंग इन्वेस्टमेंट एंटिटी राइट राइट दैट सो इफ आई राइट कंटेंट मेरा कितना पेज भरा जाएगा मेरा कितना पेज भरा जाएगा बच्चों इफ आ राइट दिस आंसर हाफ या हाफ से भी कम पाँच छह लाइन मैक्स कुछ बच्चे मुँह लेके बैठ मजा नहीं आया सर आधा पेजिए चार मार्क का क्वेश्चन है कुछ तो और लिखना सर मजा आएगा अपन डिफाइन करते हैं सब चीज़ें के इंडियस के बारे में ज्ञान देते अपन मस्त तो एकदम भैया अगर तुमने पेपर में फेंका तुमको इंश्यूट बड़ी दूर फेंकेगा काँपोगी तुम वापस नहीं आओगी अंतरा दीदी नहीं आओगे वापस तुम बहुत कापोगे आने के लिए बहुत दूर फेंकेगा तुमको भैया आई रिस्पेक्ट मोदी जी यू रिस्पेक्ट मोदी जी मन की बात यहां नहीं लिखनी है ऑडिट में क्वांटिटी नहीं चाहिए इंश्योर को क्वालिटी चाहिए अरे जब आंसर में ही इतना दिया हुआ है तो तुम ज्ञान कहाँ ही पहल रहे हो वहां पर भैया पहले जाओगे तुम जितना पूछा गया उतना ही लिखना है ऑडिट पेपर इज नॉट अबाउट क्वांटिटी इट इज ओनली अबाउट क्वालिटी अंडरस्टूड उतना ही लिखिए मार्क्स मिलेगा चार में से तीन साढ़े तीन मिलता है उन्हीं को मिलता है जहां तुमने ज्ञान दिया डेढ़ दो मार्क मिलेगा वहां पर लेंथ से आपका डिसाइड नहीं होगा कमर जितने मार्क होंगे बत्तीस चौतीस छत्तीस उतने हैं आ रहे ऑडिट में तो आजकल लोगों को बराबर क्वेश्चन नंबर थ्री अब यहां से आपका मेन अभी चैप्टर शुरू हो गया ठीक है दो क्वेश्चन हो गया मैं अभी अपना क्वेश्चन नंबर थ्री आता है व्हाट इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पेरेंट बर एबीएन बेबी ए बी एन बेबी रिज जस्ट रिम्बर एग्जाम्पल थिंग्स विल बी वेरी वेरी क्विक ए बी एन बेबी आप मेरे को बताओ पेरेंट मतलब क्या होता है अंशुल जी नहीं वो क्वेश्चन कराऊंगा मैं क्वेश्चन कराऊंगा अलग से जब अपन क्वेश्चन बुक करेंगे तब करेंगे सही चीजें बताइए एबी बेबी में पेरेंट का मतलब क्या हुआ पेरेंट कौन हुआ करेक्ट एबी लिमिटेड नॉ तो हम उसको सिंपल भाषा में कहते हैं होल्डिंग सब्सिडरी ठीक है यू कॉल ए बी एंड बेबी एज होल्डिंग सब्सिडरी बट इसको हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी इसको हम कहते हैं सब्सिडरी कंपनी करेक्ट बट यहां पर ऐसे सिखाऊंगा आपको मैं ऐसे 600 600 उसमें आ जाता है इसको हम कहेंगे पेरेंट कंपनी सेम वो होल्डिंग कंपनी इनको बोला जाएगा बच्चों कॉम्पोनेंट सब्सिडी को क्या बोला जाएगा कॉम्पोनें लाइक एसोसिएट जॉइंट वेंचर विल बी कॉल्ड एज कॉम्पोनेट्स तो आप पेरेंट कंपनी लिखो कॉम्पोनेट लिखो होल्डिंग लिखो, लिखो सब्सिडी लिखो सब एक ही है अब क्वेश्चन में अगर पेरेंट बोला तो पेरेंट हिसाब से प्रेजेंट करना आंसर को अब ये कहता है ए बी लिमिटेड का क्या तो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर थ्री सर पेरेंट कंपनी की क्या रिस्पॉन्स एग्जाम क्वेश्चन नॉट इमेजिन AB का जो ऑडिटर है ए बी का ऑडिटर वो है सी ए आकाश ऑडिटर कौन है बच्चों I mean, का जो है, वो है so, Akash, Akash तो सूरत से है एंड अंशुल जयपुर से हो राइट ओके ना सो आकाश भैया हमारे ससुराल से भैया ठीक है ना सो माई वाइफ इज फ्रॉम सूरत दे सकें तो ऑल अंशु भैया अपने जयपुर से है अब आकाश भैया पहुंच गए ए बी लिमिट के पास ए बी सर ए बी सर आपने तो कौन सा किया होगा जो प्यार किया है तो डरना क्या सर कौन सा तो आप ही को करना है ना सर ठीक है कौन सा तो आप ही को करना है सर कौन सा अब एक सेकेंड ए बी लिमिटेड के पास एक सब्सिडरी है दो सब्सिडरी है सब्सिडरी का भी सब सब्सिडी है ए बी के कितने बच्चे हैं? आप मेरे को बताओ अगर आप आकाश की जगह पर हो गए आपको समझ में आएगा आपको पता चलेगा कि ए बी सर के कितने बच्चे हैं बताओ बताओ चल चल, क्या आपको पता चलेगा बच्चों नहीं पर सर फिर हम ऑडिट कैसे करें तो भैया मेरा बच्चा किधर है कैसा है उसको देखने का ढूंढने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है पेरेंट के ऑडिटर का है कि पेरेंट कंपनी का है बताओ अच्छो पेरेंट कंपनी का है कि पेरेंट ऑडि के ऑडिटर का है सर पेरेंट कंपनी का है ना सर पेरेंट कंपनी का है अच्छा तो यहां पर मैं आपको एक और टर्म सिखाई देता हूं अभी हाथ किया थी सो so, आकाश भैया को हम कहेंगे अरे यार पेंसिल खराब हो गया बैटरी खत्म हो गया इसका ठीक है आकाश को हम कहते है को हैं पा 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 पेरेंट ऑर्डर साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट अंशुल को कहेंगे हम लोग आ क्या कहेंगे आ, ए, ऑर्डर ऑर्डर आकाश को बोला जाएगा पा अंशुल को बोला जाएगा आ अनदर ऑर्डर ठीक है सो मैं आपको पहले आंसर रिकॉल करवा दूँगा

किधर कर रखा है चेन्नई में कर रखा है अहमदाबाद में कर रखा है दिल्ली में कर रखा है? है सूरत में कर रखा है कर रखा है ढूंढो ढूंढो आप ही जो ढूंढोगे आपके अच्छे का और देखो बच्चों ने कितने पैसे कमाए तो मेरा पहला क्या है बच्चों को ढूंढो बच्चे मतलब सर आइडेंटिफाइंग दी कॉम्पोनेट्स इंक्लूडिंग पैसे पैसे मतलब सर इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ दी कॉम्पोनेट्स टू बी इंक्लूडेड इन सी एफ एस आराम से आइडेंटिफाई दी कॉम्पोनेट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग बच्चों क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ दी कॉम्पोनेंट्स to be included in CFS, to be included in CFS. Identify components including financial information to be included in CFS. तो बच्चों को रोलो कितना पैसा कमाया अच्छा कोई बच्चा होगा वड़ा पाव का बिजनेस करता होगा कोई बच्चा होगा इडली का बिजनेस कर रहा होगा कोई फर्नीचर बेच रहा होगा सर कोई बोतल का बिजनेस कर रहा होगा कोई मसाज मसाज का बिजनेस कर रहा होगा देखो बच्चों ने पैसे कैसे कैसे कमाए उसको हम इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या बोलोगे आप आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग अब सर आप तो भूल जाते होंगे पर सर भाई तो भाई होता है भाई मेरे भाई मेरे भाई भाई और आपस में ट्रांजेक्शन कर लिया होगा आपस में ट्रांजेक्शन को क्या कहते हैं बन आइडेंटिफाई आर पी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन फॉर रिपोर्टिंग एट दिन हरके तो मेरी ऐसी हो सबकी भैया खून तो अपना ही ना उसमें सो so, आपस में ट्रांजेक्शन करने को क्या बोलेंगे आइडेंटिफाई आर पी एंड आर पी टी फॉर रिपोर्टिंग आर पी मतलब रिलेटेड पार्टी आरपीटी मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन फॉर रिपोर्टिंग चौथा अब बच्चों को सबको अपन ने लाइन से इकट्ठा किया ए जो भी लोग कहेंगे सच कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं ऑप्टेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉम्पोनेंट क्या बोलेंगे आप ऑप्टेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉम्पोनेंट वापस करते हैं अपन इसको ठीक है देखो अभी सर कैसे सोचने का बच्चों को ढूंढो ढूंढने को क्या बोलते अपन identify components including financial information of the components to be included in CFS. bachcho ko dhoonda aur paise kaise kamaye fir bachche ne paisa kaun se business se kamaya identify reportable segment for segment reporting sir bachcho ne aapas mein transaction kiya identify rp and related party transaction जो भी बच्चा कहेगा search कहेगा search के सिवा कुछ नहीं कहेगा Obtain accurate and complete information from components। अब जब मेरे पास सारी चीजें आ गई है अब मैं ठोकूंगा क्या ठोकेंगे अपन सर कौन सो कौन सो एडजस्टमेंट क्या होती है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा मेक अप्रोप्रियट कंसल्टेशन एडजस्टमेंट क्या बोलेंगे अपन मेक अप्रोप्रियट कंसल्टेशन एडजस्टमेंट दो प्रकार के होते हैं आगे करेंगे अपन उसको पर क्या है घर में कोई ऐसा बच्चा होता है ना जो अलग चल रहा होता है जीवन में कोई आपका भाई भाई होगा बहन होंगे या आप खुद होंगे शायद बराबर पर देखो पर जब फैमिली फंक्शन होता है पापा साथ में लेके तो जाएंगे ना बराबर तो जो अलग चल रहे थे उसको साथ में लेके चलो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क सी रिमेंबर द स्टोरी बहुत सारे आंसर है कम से कम डेढ़ सौ आंसर सीखने अपने को स्टोरी से होगा काम कोड वोड हर जगह कोड नहीं चलता अपने जहाँ कोड आएगा कोड सिखा दूंगा आपको पर जहाँ स्टोरी चल रही है स्टोरी चलने दो हर मने इज अकाउंटिंग पॉलिसी जो बच्चा अलग चलता है वो साथ में लेके चल ए, ए, ए परिवार का हिस्सा है तू रे वो तो ना फोटो फ्रेम में साइड में खड़े हो जाते पर एक दिन पापा बोला तो बेटा आज खड़े होते फोटो के लिए तो हर मन इज अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क कोई बच्चा होगा जो फॉरन चला होगा विदेश बोलो जिनका एक्सेंट वैक्सेंट चेंज हो जाता है एकदम विदेशी बातें करते पर भाई साहब जब वो जयपुर आएगा अपने गाँव आएगा बात तो देसी में करेगा ना उसको बराबर मुँह से पान तुख्के बोल रहे है उसको कन्वर्ट कर उसको गैप कन्वर्जन वेरेवर एप्लीकेबल तो कोई विदेशी वाला जो बच्चा होगा उसको क्या करेंगे अपन इंडिया के हिसाब से करेंगे गैप कन्वर्जन वेरेवर एप्लीकेबल भले वो प्यार गोरी से करे सर कोई दिक्कत नहीं है शादी तो सर अपने हिसाब से ही होगी ऑल मारूस एन गुज जीवन का जीवन खाने पर तो भैया सर अपन इंडिया के हिसाब से कराएंगे अपन पूरा पूरा महाराष्ट्र सजेगा पूरा महाराष्ट्र पूरा अखा इंडिया सजेगा सर सो गैप कन्वर्जन वेरेवेल एप्लीकेबल कोई फॉरन वाला होगा उसको अपन क्या करेंगे गैप कन्वर्जन वेरेवल एप्लीकेबल सो कितने पॉइंट बनते मेरे एक बे त्रन चार पाँच छः सेवन सेवन पॉइंट्स है सेवन पॉइंट सात पॉइंट एग्जाम में सात लाइन जाएगा इतना ही जाएगा खाली चार मार्क का आंसर है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी क्या है बच्चों रिस्पॉन्सिबल ऑफ पेरेंट कंपनी बहुत सिंपल सा स्टोरी है पहला सर बच्चों को ढूंढो आइडेंटीफाई द कॉम्पोनेंस इंक्लूंग फिनेशियल इनफॉर्मेशन ऑफ द कॉम्पोन टू बी इक्लूडेड इन सी एफ एर बच्चों ने पैसे कैसे कमाएं मैं 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 लिखाऊंगा आप बच्चों ने हिंदी वाली जो स्टोरी अपनी आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग आपस में ट्रांजेक्शन किया आइडेंटिफाई आरपी एंड रिलेड पार्टी ट्रांजेक्शन वट एवर द किट सेज ही विल सी द ट्रूथ ऑफ एन एक्यूरेट एंड कंप्लीट इनफॉर्मेशन फ्रॉम कम्पोनेट पुट कॉन्सो एडजस्टमेंट नो वट हैपन वन किड इज गोइंग सम वे ए कमियर हारमोने से ए फॉरन फॉरन कमियर गैप कन्वर्जन वेरेवर एप्लीकेबल क्या बोलोगे आप गैप कन्वर्जन वेरेवर एप्लीकेबल हाउ मेनी पीपल हैव नॉट द बुक रॉबिन स्वाति अपूर्व जैमिन सौम्या यशवर्धन आकाश अंतरा अनन्या सुकेश मनीष विशाल अरे बहुत लोग हैं ठीक है ठीक है ठीक है मुझे दो मिनटों में पहले पेंसिल चार्ज करता फिर मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा दो हुआ स्क्रीन रहे हैं तब तक तो उनसे बात कर लो दो मही पैदल चार्ज हो रहा है और जीवन कैसा है एफर वेफर पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो वैन विल बी रिसीव बुक्स भाई कुरियर कर दिया है कुरियर कर दिया है भाई साहब मैं थोड़ी आऊंगा देने के लिए ब्रो वो निकला है बुक यार आ जाएगा एक दो दिन में

ंग एवरीथिंग आकाश नलके में पानी नहीं आ है। आता रहा आता हूँ घर पे प्लम्बर भी हूं मैं तुम्हारा कराता हूँ घर का प्लम्बर सारा काम मतलब पैसा क्या दे दिया तुमने भाई सब खरीद लिया है कोई बोला सर मटर भी छील दो क्लास में मतलब आप पढ़ा ही रहे हो ना जब आप बोलो मटर भी छील देना मेरे का हाँ। सार, सार, सार घर का तो हाँ सब 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 मही कर घर का काम तो पैसा दे लिया तो खरीद लिया अपन वाह बड़ा वाह इतना तो कभी महंगे वाले को भी नहीं बोले होंगे तुम जितना मेरे को बोल रहे हो अंशुल वो दिल्ली से निकली है वो वाली बुक लॉकी की तो वो आ जाएगी क्योंकि वो फ्लड का कुछ इशू है ना पिछले हफ्ते तो इसलिए बुक सब रुक गई थी आएगी 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 भाई सब निकल दिया आएगा टाइम है यार पढ़ाते हैं हम यार मतलब ई कॉमर्स कंपनी है कोई हमने भैया हमने ऑर्डर कर दिया था वहां लिखा था थ्री डेट का डिलीवरी नहीं आया अभी तक तो मैं ऑर्डर कैंसिल करता है कोई ना सबको आदत हो गया स्विगी जोमेटो वाला फोर्टी फाइव मिनट्स दिखा है भैया आया नहीं अभी तक आप फोर्टी एट मिनट्स हो गया सुना भैया लॉ का भी लाइव बैच लो नहीं यार टाइम नहीं है नहीं तो ले लेते सो so, लॉ का जो लास्ट मतलब नवंबर बाईस वाला जो रिकॉर्डेड बैच है ना वही हम दे रहे हैं क्योंकि उसमें कोई चेंजेस है नहीं खाली फेमा में एडिशन हुआ था नवंबर तेईस में कोई अमेंडमेंट ऐसा है नहीं अभी वो आएगा मैं वो यूट्यूब पर डाल दूंगा तो विध बुक्स वो वन का आ रहा है अभी तो इसलिए क्योंकि ऑडिट का बच हो अगेन यू ऑल्सो नो वेट अगले टाइम में लॉ है नहीं फिर वो मेहनत करना मतलब नहीं है ना इसलिए तो जो लास्ट टाइम कर वो सेम ही है मतलब वो भी मैंने लाइव इंटरेक्टिव बैच ही था जो हमारा था वो मैंने पढ़ा सो आई थिंक आकाश था एंड नो चेंजेस इन दैट फेमा एडिशन्स फॉर मे ट्वेंटी थ्री है बीन अपलोडेड ऑन यूट्यूब नोवर तेईस का जो आएगा वो मैं कर ही दूंगा आपको बाकी कंटेंट तो सेम होगा ना कुछ चेंज ही नहीं है कहीं भी ठीक है अब देखो अब मैं आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूँ क्या करने का जब आप पढ़ रहे होते हैं जब लाइक वेन यो डूइंग सेल्फ स्टडी नो फॉर एग्जाम्पल हमने ये आंसर पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर थ्री था हमारा रिस्पॉन्स पेरेंट कमनी तो आप क्या करेंगे आप यूज़ करेंगे स्क्रिबल टेक्निक स्क्रिबल क्या होता है देखो खुद के लिए हिंदी गुजराती मराठी पंजाबी जो भी आपको लैंग्वेज आती है वट एवर यू आर कम्फर्टेबल कन्नडा तेलुगु तमिल वट एवर लैंग्वेज यू आर कम्फर्टेबल ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू रिकी कॉल इट सी अंडरस्टैंड आपको एफ आर एस एफ एम लोगों क्यों पसंद आता है सर जब करा रहे होते सर ने एक बार किया होगा फिर सर उसको हटा के फेयर करते हैं। फिर सर बोलता है इसको कॉपी कीजिए तो पहले सर ने जब किया मैंने देखा फिर सर ने उसको जब फेयर किया मैंने फिर देखा मैं उसको अपनी बुक में उतारा तो मैंने फिर देखा तो तीन बार देखा मैंने तो दिमाग में स्टोर हो जाता है ऑडिट में क्या होता है अपन कभी लिखते नहीं ना ऑडिट में नहीं लिखा ना मतलब जहाँ महंगे वाले में क्या सर ने ना रेमॉस्ट पड़ेगा क्या पढ़ा है तो ख़ुद को कितना आता है रिटेंशन इज जीरो रिटेंशन इज़ जीरो तो क्या करने का मैंने आपको एक आंसर करा दिया अभी फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग दस छः आंसर्स कर लेंगे अभी तो क्या किया अपन एक पेपर लिया अच्छा सर पेरेंट कंपनी का क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके तो सर कैसे करने का पहला पॉइंट क्या था सर बच्चों को ढूंढने का तो उसको अपन इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफाई दी कॉम्पोनेंट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉम्पोनेंट मैं मेरे हिसाब से लिख रहा हूँ मेरे को समझ में आना चाहिए सर फिर क्या आएगा आइडेंटिफाई कॉम्पोनेट हो गया हाँ सर बच्चों ने कैसा पैसे कमाए बिजनेस बिजनेस सो आइडेंटिफाई क्या आएगा सर रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग सर बच्चों ने आपस में ट्रांजेक्शन किया होगा आइडेंटिफाई क्या है रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई आर पी एन आर पी टी ओके सर बच्चे जो भी कहेंगे सर्च कहेंगे ऑप्टेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन तुम लोग वहाँ घर पर बोलते रहो अपने मतलब वो आना चाहिए आपको भी फ्रॉम कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम कॉम्पोनेंट्स नंबर फिफ्थ हो गया ठोको सालों को सर मेक प्रॉपर कॉन्सो एडजस्टमेंट आई नॉट राइडिंग एंटायर लाइन आई एम जस्ट राइडिंग इट फॉर माई माई अंडस्टैंडिंग मेक प्रॉपर कॉन्सो एडजस्टमेंट सर छा पॉइंट क्या होगा जब ठोका तो सर एक बच्चा बाहर निकल के वो अलग चल रहा है जीवन में साथ में लेके चलो उसको हारमोनाइज हारमोनाइज द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज सर कोई बच्चा विदेश वाला होगा तो उसको क्या कर देंगे अपन गैप कन्वर्जन गैप कन्वर्जन वेरेवर एप्लीकेबल गैप कन्वर्जन वेरेवर एप्लीकेबल डन फिनिश वो वाह वाह मनीषा वेरी गुड लिख दिया आपने पूरा आंसर को. हो गया आंसर ये मेरा आंसर दिमाग में बैठ गया अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो भाई साहब आराम से आएगा आपने को आराम से आएगा कैसा लगा बच्चों टेक्निक याद रहेगा आप लोग को हो गया बस यही है, यही तरीका है ऑडिट का रामबान जो बोलना तुमको बोल लो ऐसा वैसा जो सुना होगा ऐसा है उल्टे सीधे राम सारे सब यही है ऑडिट का अगर तुमको ये टेक्निक जम गया बैठ गया दिमाग में भाई साहब तुमको कोई ऑडिट में हिला नहीं पाएगा कोई भी नहीं हिला पाएगा जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ। ऐसा ये पेपर आता है अपना इसको उठा के मन डाल ले दे इस बक्से में ऐसा पेपर आता है अपना ठीक है 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है 30 मार्क्स का एमसीक्यू दैट मींस क्वेश्चन में सिक्स क्वेश्चन है वन तो कंपलसरी है वो ऐसे एक-एक होते हैं एंड फोर आउट ऑफ फाइव दैट मींस मेरे पास एक पूरा मेन क्वेश्चन बिंदास ऑप्शन में निकलता है और एक इंटरनल ऑप्शन भी आता है ठीक है तो मोटा मोटी चार क्वेश्चन में आराम से ऑप्शन में निकलता पेपर एटी एट मार्क्स का आता है एटी एट मार्क्स ये पूरा पेपर अपन सॉल्व कर लेंगे मुझे याद नहीं क्वेश्चन अभी मैं जस्ट देख रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आया था सी ना टू सी इज ऑन टैक्स ऑडिट ठीक है मैं ढूंढ लूंगा अभी तो दो तीन ही क्वेश्चन किए चलो सो so, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया अब चौथा क्वेश्चन बन सके ना सो so, चौथा क्वेश्चन आता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर ये आपका चौथा क्वेश्चन बनेगा आप देखो मेरा तीसरा क्वेश्चन था पेरेंट कम्युनिकेश चौदह क्वेश्चन है मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर फॉर प्रिपरेशन ऑफ सी एफ एस ओके ना सुना इसका कोड आएगा आपका इसका पीजा पीजे बॉक्स क्या आप इसका पीजे बॉक्स कैसे बनेगा वो अपन देखते हैं बाद में पहले आई वन सेकेंड आई इज इन्वेस्टमेंट द ऑडिटर फर्स्ट मैं जब लिखवाऊंगा आपको इसका पीछे वक्स द ऑडिटर शुड रिव्यू द इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट्स एज वेल एज एस डिटरमाइन द शेयर होल्डिंग इन अदर एंटिटीज तो सर आप क्या करोगे पहले आप इन्वेस्टमेंट वेरीफाई करोगे एक सेकंड ये जो कर रहा है बेटा ये पा का रिस्पॉन्स कि आ का रिस्पॉन्स मिले चैट में लिख के बताओ पा मतलब पेरेंट ऑर्डर आ मतलब अनदर ऑर्डर पा का रिस्पॉन्सिबिल सो यू विल रिव्यू द इन्वेस्टमेंट्स सो रिव्यू द स्टैचुरी रिकॉर्ड्स क्या बोलोगे आप एस से रिव्यू द स्टैचु रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द पेरेंट फॉर एग्जांपल रजिस्टर अंडर सेक्शन 186 ना एल आई जी एस वन एटी नाइन इज बेसिकली रजिस्टर ऑफ इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड पार्टीज तो एक कंपनी से सेक्शन याद नहीं तो ठीक है आप लिखोगे द दर्डर शुड रिव्यू द स्टैच्युटरी रिकॉर्ड्स आई एस सी

review the other arrangements entered into parent that have not been included in CFS of the group. Like for example, joint venture होता है वो तो business transaction है sir. उसमें shareholding pattern नहीं आता कभी भी. तो सो so, so, जो other arrangement है वो check कर लीजिए. Investment check करना है, statutory record check करना है, changes in shareholding check करना है, और other other arrangement check करना है, ठीक है? Sir, review the parent's procedure. क्या बोलोगे आप? Review the parent's procedure for identification of various components. Sir, बच्चा ढूंढना किसका काम था? अभी अपन ने बात किया था. Management का काम था ना? तो कैसे ढूंढ रहा है वो कैसे पता चल रहा है कि वो होल्डिंग मतलब वो सब्सिडी uh, है कि वो एसोसिएट है कि वो हमारा है या नहीं है जाके देखने का अपने को पी जे रिव्यू द वेंचर्स एंड ज्वाइंट अरेंजमेंट एज एप्लीकेबल क्या बोलोगे रिव्यू द वेंचर्स एंड ज्वाइंट अरेंजमेंट एज एप्लीकेबल डब्ल्यू रिव्यू द वर्किंग पेपर्स फॉर द प्रायर ईयर्स फॉर द नोन कॉम्पोनेंट्स तो मेरे को पता था सर मैं पुराने साल से मैं ऑडिट कर रहा था तो पुराने जो सब्सिडी थे आज भी क्या वो सब्सिडी है क्या सर so, या वो होली ओन सब्सिडी हो, हो गए क्या वो एसोसिएट हो गए मेरे को जाके वेरीफाई करना है तो मेरा कोड क्या होता है इसका पीजे वर्क्स बच्चों क्या होता है द कोड इज वॉट इसका पीजे वर्क्स किसका बच्चों इसका पीजे वर्क्स सर ऑर्डर को क्या चेक करना है सर ऑडिटर को पहले चेक करना है इन्वेस्टमेंट जिससे शेयर होल्डिंग पैटर्न पता चले ठीक है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न नेक्स्ट पॉइंट बन गया आपका पैटर्न में कुछ चेंज हुआ क्या सर तो चेंजेस पता चल गया अपने को एंड कुछ एनी अदर मेरा फेवरेट एनी अदर अरेंजमेंट्स सर इन्वेस्टमेंट चेक करना है तो रिव्यू द इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द देंट कंपनी रिव्यू द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द इन ऑफ द पेरेंट कंपनी रिव्यू द चेंजेस इन द शेयर होल्डिंग फ्रॉम द प्रायर ईयर अरेंजमेंट्स मेड इसका हो गया पी प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग अब आप जो कोई सब्सिडी एसोसिएट नहीं लिखोगे ओके जे रिव्यू अदर वेंचर्स एंड अदर जॉइंट अरेंजमेंट्स अदर जॉइंट अरेंजमेंट डब्ल्यू से रिव्यू वर्किंग पेपर्स क्या बोलते रिव्यू द वर्किंग पेपर्स फॉर नोन ईयर्स सॉरी फॉर नोन कॉम्पोनेंट्स जो मुझे अगर पता है तो उसके में जो पुराने वर्क में वो रिव्यू कर लूंगा एक बार तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ यू हाउल ऑडिट फॉर आई मीन वॉट इज योर रिस्पॉन्सिबल एज एन ऑडिट फॉर द पेरेंट कंपनी सर द क्वेश्चन इज द आंसर इज इसका पीजे वर्क आई रिव्यू द इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट से क्या पता चलेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न पैटर्न में कोई चेंज है क्या आई रिव्यू द चेंजेस एंड कुछ अदर में तो इसका एकदम कंटिन्यूशन में बनता है पी प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग द कॉम्पोनेट्स जे रिव्यू द जॉइंट वेंचर और अदर अरेंजमेंट डब्ल्यू वर्क रिव्यू द वर्किंग पीपल्स फॉर नॉन कॉम्पोनेट्स तो गाइज माई कोड इज वॉट इसका पी जे वर्क तो ये मेरा चौथा क्वेश्चन हो गया पेरेंट कंपनी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट कंपनी के ऑर्डर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट कंपनी का अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछता है तो अपने को क्या लिखने का है सर सात पॉइंट अगर मेरे को पूछता कि बताओ मेरे को क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए तो मैं क्या चेक करूंगा सर इसका पीछे जे तो ये एज एन ऑडिटर मैंने आंसर लिख दिया एज एन ऑडिटर क्लियर लेट्स को क्लियर कॉल वापस से दोनों आंसर्स करते हैं एक बार एक बार दोनों आंसर्स करते ठीक है सर अगर मैं बात करता हूँ पेरेंट कंपनी की पेरेंट कंपनी की तो देवर सेवन पॉइंट्स स्टोरी सर पहला क्या है आइडेंटिफाई दी कॉम्पोनेंट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ दी कॉम्पोनेट मैं अब और छोड़ा करता जाऊँगा नंबर टू तुम भी बोलते चलना वहाँ पर अपने घर पर घर वाले पागल बोलेंगे चलेगा कोई दिक्कत नहीं सी ए बनेगा वो आके सलाम ठोकेंगे नंबर टू आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन सर फिर आएगा सच बोलने का ऑब्टेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉम्पोनेट्स नंबर फिफ्थ मेक प्रॉपर कौनसो एडजस्टमेंट कौनसो एडजस्टमेंट अलग चल रहा है बच्चा साथ में लेके चलो हारमोनाइज हारमोनाइज दी अकाउंटिंग पॉलिसी परफेक्ट सर आखिरी फ़ॉन वाला बच्चा फ़ॉरन वाले बच्चों क्या बोलते हैं अपने इंग्लिश में गैप कन्वर्जन वेरेबल एप्लीकेबल गैप कन्वर्जन वेरेबल एप्लीकेबल सर अगर वो कहता है पेरेंट कंपनी के ऑडिटर की बात कीजिए पेरेंट कंपनी के ऑडिटर की तो सर माई कोड इज़ वॉट इसका पीजे वर्क क्या चेक करना है सर मेरे को इसका पीजे वर्क आई से क्या है सर मैं इन्वेस्टमेंट चेक कर लूँ सर एस से क्या है सर मेरा मैं स्टैचूटरी रजिस्टर्स uh, या रिकॉर्ड चेक कर लूँ सर सी से क्या चेक करूँ मैं अच्छा वो रजिस्टर में कोई चेंजेस वेंजेज तो नहीं हुए ना सर चेंजेस चेक करो चेंजेस इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है सर ए से क्या आ जाएगा सर ए से एनी अदर अरेंजमेंट है कुछ है तो वो चेक कर लीजिए सर पी से क्या आएगा प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग दी कॉम्पोनेट्स जे से क्या चेक करेंगे सर अपन जॉइंट वेंचर और जॉइंट अदर अरेंजमेंट चेक कर लीजिए एंड बच्चों डब्ल्यू से क्या हो जाएगा आपका वर्किंग पेपर चेक कर लीजिए सर क्या चेक कर लीजिए अपना वर्किंग पेपर्स हो गया दोनों आंसर डन चार क्वेश्चन हो गए नौ है टोटल आई थिंक आई डोंट डोंबर नौ बनेंगे शायद डन एंड आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू आंसर एट होम एंड इन द चैट सी कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आपको जज नहीं कर रहा है जब तक आप मेहनत नहीं करोगे बच्चों ऑडिट में मार्क्स नहीं आएंगे मैं आपको याद करवा दूंगा मैं पूरी कोशिश लगा रहा हूं पूरा जान लगा रहा हूं पर थोड़ा सा वो रेसिप्रोकेट आपको भी करना पड़ेगा ना इट हैज टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस एंड इट डजेंट मैटर वेर यू आर एट होम लाइब्रेरी वेर एवर यू आर यू हैव टू have टू से द आंसर सी बिकॉज याद करने का तो प्रॉब्लम है ना खाली Understand अंडरस्टैंड यहां से आज भी चार महीना है मेरा नवंबर में एग्जाम है ना मेरा तो चार महीने यहाँ से ऑब्बियसली बता भूल जाओगे पर क्या होता है जब धूल जैसे मेरे को याद है ना क्योंकि तो इतनी बार बोल दिया इतनी बार लिख लिया वो बैठ गया दिमाग में हिल नहीं सकता वो खाली एक बार ग्लैंस करना होता है बस तो मेरा टाइम बच जाता है समझा आपको तो ये मेरा चौथा क्वेश्चन हो गया चलो एक पाँच मिनट रुक, रुक जाते एक ब्रेक ले लेते पाँच मिनट का थोड़ा तो सा हल्का हल्का हो जाओ क्योंकि ऑडिट आराम से करना है मेरे को पता है कैसे कराने का पाँच मिनट हल्का हो जाओ देन वी विल कंटिन्यू एक वो जाना मतलब पैसा भर तुमने वापस आना प्लीज पानी वानी पी लो जो करना है कर लीजिए ओके नाइन नाइन टेन तक आज पहला क्लास है ना मैडम जब करना होगा एक्शन मैं बता दूंगा दो घंटा दो सवा दो घंटा पढ़ेंगे अपन उससे ज़्यादा हमसे ना हो पाए ना तुमसे हो पाई फैक्ट है थोड़ा घंटा पढ़ेंगे रोज़ पढ़ेंगे शिद्दत से पढ़ेंगे अच्छा किसी का सुबह कोई ऑब्लिगेशन होता है क्या जो जिसको हल्का होकर ना आ जाओ पानी वानी पी लो कभी तो अगर तो डबल तो तो क्लास लेना पड़े तो चलेगा को सात बजे तो हमसे ना हो पाई वो ही साढ़े सात आठ बजे आठ से दस या सेवन थर्टी टू टेन आलजीता कहती है नहीं वर्ड जीता वर्ड का प्रॉब्लम या फिर आफ्टर में तो वापस इवनिंग में क्लास हो जाएगा ना फिर बैक टू बैक नहीं करना है हम अपन डिस्कस कर लेंगे कभी क्लास लेनी होगी तो ढाई घंटा आकाश आई सो मैसेज आई नो आई विल आई नो व्हाट टू राइट जब हम लिखेंगे तो मैं वो चेंज करवाऊंगा हाँ ठीक है अरे ज्यादा नहीं लेंगे एक दो दिन लेंगे खाली बस एक दो दिन ठीक है दीदी साढ़े नौ से पहले ठीक है अब देखो नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आंसर यहां शुरू होता है टाइप्स ऑफ कॉन्सो एडजस्टमेंट क्या कहता है ये आपका टाइप्स ऑफ कॉन्सो एडजस्टमेंट ये इंपॉर्टेंट है आ गए सब लोग इोन तो पहन के क्लास नहीं गया हल्का नहीं गया था देखो अभी टाइप्स ऑफ कॉन्सो एडजस्टमेंट्स दो होते हैं। तो ये अगर मेरा क्वेश्चन नंबर फाइव है तो मेरा फाइव ए बनेगा और फाइव बी बनेगा ठीक है फाइव ए एंड फाइव बी तो इसमें अपन दो क्वेश्चन बना लेंगे तो ये पूरा क्वेश्चन टाइप्स ऑफ कॉन्सो एडजस्टमेंट एक अलग से ए आ सकते एक अलग से बी आ सकता है सर ए होता है मेरा परमानेंट कंसॉलिडेशन एडजस्टमेंट ये होता है मेरा करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट इसको हम कहते हैं प्यार से पीसीए इसको हम कहते हैं सीपीसीए पीसीए एंड सीपीसीए बच्चों इसका कोड बनेगा अपना ई सी जी इसका कोड बनेगा अपना इफ पैसे इफ पैसे ओके परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट एंड करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट पीसीए एंड सी सर व्हाट इज परमानेंटोलश कंसोल्टेशन एडजस्टमेंट बच्चों पहली बार वो पहली बार जब बेबी घर में आई थी बेबी जी घर में आई थी सर वो पहली बार पहली बार बाहर में तो काली रात है तो जो पहली बार आपने सब्सिडी को एक्वायर किया था सर जब वो पहली बार आपने एसोसिएट बनाया था सर तो जो आपने एडजस्टमेंट ठोके होंगे ना उसको क्या कहते हैं क्या क्या कहेंगे उसको अपन परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट सर सीपीसी में क्या आएगा हर रात नॉर्मल है हर साल एवरी ईयर एवरी ईयर वॉट एवर एडजस्टमेंट यू डू इट इज कॉल्ड इज वॉट सीपीसी करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट इट इज कॉल्ड इज करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट

अब वो हमारी सब्सिडी बन गई या हमारी वो सब्सिडी थी अब वो हमारी होली ओन सब्सिडी बन गई ऑफ इट तो या तो वो जो मैं पहली बार उसको लेकर आया घर में या उसमें अपन ने कुछ चेंज कर दिया तो जो भी अपन एडजस्टमेंट करेंगे उसको क्या कहते हैं अपन परमानेंट कंसोलेशन एडजस्टमेंट क्या बोलेंगे उसको अपन परमानेंट कंसोलेशन एडजस्टमेंट सर सी में क्या होता है सर एवरी ईयर जो भी ट्रांजेक्शन अपन करते हैं जो अपने एफ में जो आप सीखते हो ना जो भी एडजस्टमेंट सीखते हो वो सारी यहाँ पर आएगी सी में ठीक है सीपी से करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट बहुत सिंपल है ओके नाउ फर्स्ट आई एम रिकॉलिंग यू व्हाट इज परमानेंट कंसोलेशन एडजस्टमेंट वेरी सिंपल सर एडजस्टमेंट देट आर मेड ओनली ऑन द फर्स्ट ओकेशन एडजस्टमेंट दैट आर मेड ओनली फर्स्ट ओकेशन और सब्सिक्वेंट ओकेशन और बच्चों सब्सिक्वेंट ओकेशन इन इन विच देर इज अ चेंज इन द शेयर होल्डिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी विच इज कंसोलीटेड सो इधर ऑन द फर्स्ट ओकेशन जब पहली बार लेकर आए और सब्सिक्वेंट ओकेशन जहां पर जब अपने चेंज किया शेयर होल्डिंग में ठीक है ठेके? सर व्हाट इज द कोड द कोड इज बच्चो ई सी जी ई एज डिटरमिनेशन ऑफ इक्विटी एट्रिब्यूटेबल टू माइनॉरिटी बच्चों माइनॉरिटी का इंडिया के हिसाब से एक नया शब्द आपने सीखा होगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जिसको हम लोग प्यार से एनसीआई भी कहते हैं सीखा है ना सर कुछ एफ आर में एनसीआई एनसीआई करेक्ट आपको ये लिखना पड़ेगा पूरा एग्जाम में डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इक्विटी एट्रिब्यूटेबल टू माइनॉरिटी और एनसीआई डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ इक्विटी एट्रिब्यूटेबल टू माइनॉरिटी और एनसीआई अब आपको एक्जाम्पल देता हूँ आपने जब एफआर किया होगा आपने जब एफआर का सम उठाया होगा कौन सो होगा तो पहला जो एडजस्टमेंट करते हैं मतलब वो ब्रेकअप निकालते हैं क्वेश्चन में जो भी फिफ्टी दिया होता है फिफ्टी दिया होता है सिक्सटी फोर्टी दिया होता है अपन जो एडजस्टमेंट करते हैं ना जो फर्स्ट एडजस्टमेंट के दिखाने के लिए कितनी होल्डिंग है कितनी सब्सिडी है लाइक कितना वो मेरा माइनोटी जो एन है वो ये है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विटी एट्रबूटेल टू माइनॉरिटी और एन सी डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इक्विटी एट्रीब्यूटल टू माइनोटी और एन सी आई वॉट इज सी सर डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल बच्चो डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल एज पर एप्लीकेबल ए एस इतना ही है डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल एज पर एप्लीकेबल ए एस एग्जाम में मैं ए एस नहीं लिखूंगा एग्जाम में पूरा लिखूंगा एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया आंसर चार मार्क का आंसर है चार मार्क का आंसर वॉट इज परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट बहुत सिंपल है सर दिस एडजस्टमेंट्स आर दोज एडजस्टमेंट विच आर मेड ऑन द फर्स्ट ओकेजन और वेन दर इज अ चेंज इन द शेयर होल्डिंग ऑलरेडी हेल्ड ओके द कोड इज ई सी जी ई डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी और एनसीए जो अपन पहले एडजस्टमेंट करते हैं नंबर टू तो या तो आपने पता होगा या तो आपको कैपिटल आएगा या तो गुडविल आएगा एज पर एप्लीकेबल ए एस आप मेरे को बताओ कौनसो के टाइम पे कौनसो के टाइम पे दोनों आ सकता है क्या कैपिटल सर्व गुडविल दोनों आएगा बताओ आ सकता है क्या ये और नो मनीषा जी कहती है नो धनुश्री सिंह नो अंतरा नो रॉबिन नो 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 आ सकता है आई लू वाई एन हाउ इनर कॉलम में आएगा आउटर कॉलम में नहीं आएगा जब मैं कौनसो कर रहा होता हूँ बी लिमिटेड में मेरे को आया कैपिटल रिजर्व सी में आया गुडविल डी में आया कैपिटल रिजर्व ई में आया गुडविल आउटर कॉलम में एडजस्ट होकर एक ही फिगर आएगा जब मैं कौनसो बना रहा हूँ इनर कॉलम में जब अपन कौनसो कर रहे होंगे वो अपन नेट ऑफ कर देंगे आउटर कॉलम में एक ही आएगा ये तो पता होगा ना आपको आउटर कॉलम में तो एक ही फिगर आएगा या तो कैपिटल रिजर्व या तो गुडविल दोनों नहीं आ सकता

एग्जाम में कैसे लिखेंगे चलो कर लेते शुरू करते स्क्रीबल इसको अपन सर पहला डिटर्मिनेशन सॉरी पहले तो डेफिनेशन आएगी ना सर डेफिनेशन क्या है सर दीज आर एडजस्टमेंट्स विच आर मेड इधर ऑन दी फर्स्ट ओकेजन और ऑन अ सब्सिक्वेंट ओकेजन वेन एवर देर इज अ चेंज इन द शेयर होल्डिंग ऑलरेडी हेल्ड ठीक है सर एडजस्टमेंट्स आर ई सी जी सर ये तो दो तो ही मैं, मैंने खुद के लिए लिखा है कोड खुद के लिए सर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विटी एट्रीब्यूटेबल इंग्लिश है एट्रीब्यूटेबल लिख लेते एक बार एट्रीब्यूटेबल किसको सर दो लोग होते हैं मतलब है तो वो एक ही माइनॉरिटी और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट सी जी डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल एस पर एप्लीकेबल एस मतलब मॉडल खोल कर देख लो आपकी महंगाई की बुक देख लो सेम ही होगा इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट तो कोड क्या है ई सी जीविटी एट्रिबेबल टू माइनोर्टी और एनसी कैपिटल गुड विल एज पर एप्लीकेबल यस खत्म दिस इज कॉल्ड एज वॉट परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट गया भेजे मैं आपके वेरी गुड सर करंट पीरियड कब करते हैं अपन करंट पीरियड सर एडजस्टमेंट एट मेड इन द अकाउंटिंग पीरियड फॉर विच द सी एफ एस इज डन डजस्टमेंट मेड इन फॉर सी एफ सीएफएस इज डन इट इज कॉलेज एवरी ईयर हम सीएफएस को हर साल प्रिपेयर करेंगे ना तो so, हर साल जो एडजस्टमेंट करते हैं इट इज कॉलेज बॉट सी पीसीए करंट पीरियड कंसल्टेशन एडजस्टमेंट सीपीसीए करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नौ से तो यहां का बेटा मेरा कोड क्या हो जाता है इफ पैसे क्या कोड़ेगा अपना इफ पैसे आई ये अपन लिखेंगे सब टेंशन मत लो इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव मेरा है पहला पॉइंट इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव सब ये मतलब क्या हुआ पता क्या होता है देखो लोन लिया होगा सब्सिडी से पैसा आता जाता है बराबर जब पैसा आता था, था, था तो अपन एडजस्टमेंट करते हैं एफ आर में उसको बता इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड और रिसीव एफ एफ इज फॉर फॉरेन कॉम्पोनेंट्स इन केस ऑफ फॉरेन कंपोनेंट्स अब इसको अगर आपको अपनी ओन भाषा में लिखना है लिखो कोई दिक्कत नहीं अक्कल लगाओ फॉरेन कॉम्पोनेंट है विदेश में बेटा कॉम्पोनेंट का मतलब क्या होता है चैट में लिख के बताओ कॉम्पोनेंट मतलब सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट बराबर हाँ तो वो जो अकाउंट बनाएगा वो विदेश के हिसाब से बनाएगा पर सर पापा तो देश में है ना देश में है तो सर मेरा देश हबीब जवानों को, अलबे का अलबेल होगा का, क्या कहना भैया सर इंडिया में फॉलो होगा शेड्यूल थ्री फॉलो होगा आई में आएगा सब कुछ तो भैया विदेशी को तो क्या करना पड़ेगा अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा वो कन्वर्ट का मैंने आपको एक शब्द सिखाया था आज क्या बोल सकते उसको अपन वेरी गुड वेरी क्या बात है क्या बात है क्या बात है गैप कन्वर्जन व्हेरेवर एप्लीकेबल बस वही है तो अगर आपको पूरा नहीं लिखने का ऐसा लिख दो इनके साथ फॉरेन कंपोनेंट गैप कन्वर्जन व्हेरेवर एप्लीकेबल अर्थात इट स एडजस्टमेंट्स टू कन्वर्ट कंपोनेंट्स ऑडिटेड एफएस कंपोनेंट ऑडिटेड एफएस बराबर व्हिच इज प्रिपेयर्ड अंडर लोकल गैप इमेजिन कंपनी इन लंदन तो इट विल बी एज पर यूके इफ इट अंपनी इन लेट इज अजूम रशिया रशिया रॉन्ग टाइप रॉन्ग एग्जाम्पल सो इमेजिन कंपनी इन मे बी जर्मनी सोलन तो उसको अपने कन्वर्ट करना पड़ेगा एस पर आई एन आर टू दैप अंडर विच सी एफ एस इज प्रिपेयर टू दैप अंडर विच सी एफ एस इज प्रीपेय इन केस ऑफ फॉरन कॉम्पोनेंट्स एडजस्टमेंट टू कन्वर्ट कॉम्पोनेंट्स लोकल गैप क्योंकि वो तो प्रिपेयर कहता था लोकल गैप के हिसाब से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अंडर विच सी एफ एस इज प्रिपेयर

इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट क्या बोलोगे आप इंट्रा इंटरग्रुप प्रॉफिट फ्रॉम सब्सिडीज सर असट आया गया फर्नीचर मशीन आया गया वो के जो एडजस्टमेंट है वो ये है इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट फ्रॉम फोर्थ सर कोई ना कोई तो अलग चल रहा होता है घर में एडजस्टमेंट फॉर हार्मोनाइजिंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या बोलोगे आप एडजस्टमेंट फॉर हार्मोनाइजिंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी ए से एडजस्टमेंट फॉर हार्मोनाइजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी बस बहुत है आई इंट्रा ग्रुप इंट्राग्रुप ये हो गया आपका फिफ्थ इंट्रा ग्रुप इन क्या बोलेंगे अपन बच्चों इंट्रा 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 ग्रुप 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 मतलब सर आपको एफ आर में कराया बना हो डेटा क्रिएटर वाली एडजस्टमेंट अरे सब्सिडी को माल बेचा फिर सब्सिडी माल बेचा वो जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट होते हैं इसकी बुक में डेटर है इसकी बुक में क्रिएटर है वो क्रॉस होल्डिंग में भी प्रॉब्लम हो जाती है सीखा है कुछ एफ में ये वो वाले एडजस्टमेंट है मेरे को एडजस्टमेंट से मतलब नहीं है मेरे को नहीं जी। मेरे को तुम्हारा एफआर गेंद तुम तुम्हारे पास रखो अपने खाली जो बुक में लिखा है वो लिख करना का इंट्रा ग्रुप इनडनेस अब एस अब एस में बच्चों दो होते हैं एडजस्टमेंट फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट क्या बोलोगे आप एडजस्टमेंट फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट सर ट इवेंट कब होते हैं इवेंट होते बेटा आफ्टर आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर ऑडिट रिपोर्ट डेट क्या बोलोगे आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर ऑडिट रिपोर्ट डेट आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर ऑडिट रिपोर्ट डेट ओके बेसिकली बिटवीन बैलेंस शीट एंड ऑडिट रिपोर्ट डेट एक और ऐसे एडजस्टमेंट फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन और अदर इवेंट्स दैट अकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट ऑफ द देंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट व्हेन द एफएस ऑफ द कॉम्पोनेट आर नॉट ड्रॉन अप टू द सेम बैलेंस शीट एज एड ऑफ पेरेंट ये थोड़ा सा डॉट डॉट हिल गया आपका सुनो आपको ऐसे एक या दो करवाए होंगे जहां पर थर्टी फर्स्ट दिसंबर होता है कॉम्पोनेट का एंड थर्टी फर्स्ट मार्च होता है होल्डिंग कंपनी का क्योंकि वो तो उसको तो इंडियन लॉ एप्लीकेबल है तो थर्टी फर्स्ट दिसंबर को मतलब तीन महीने के लिए अपन वो ट्रांजेक्शन करते हैं बाइंग रेट सेलिंग रेट फिर एक जगह पर एवरेज रेट भी लेते हो कन्वर्ट करते हैं अपन उसको तीन महीने के अकाउंट्स करवाए आपको ऐसे कोई सम आप उसको पूरा मार्च तक खींचते हैं पर उसको जो दिसंबर का जब आपका सब्सिडी का ड्यू डेट होता है मतलब सब्सिडी का अकाउंटिंग होता है क्योंकि फॉरन कॉम्पोनेंट है तो उनको तो दिसंबर फॉलो करना होगा या मे भी कोई और मंथ फॉलो करना होता है उनको अपन कन्वर्ट करते हैं कहाँ तक मार्च तक तो आप लोग को इतना ही बोलने का है एडजस्टमेंट फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन बिटवीन द डेट ऑफ द कॉम्पोनेंट एंड द डेट ऑफ द पेरेंट एडजस्टमेंट फॉर लॉजिकल है थर्टी फर्स्ट दिसंबर को याद रखो थर्टी फर्स्ट मार्च को याद रखो तो कॉम्पोनेंट का डेट थर्टी फर्स्ट दिसंबर का होता है एंड होल्डिंग कंपनी जो पेरेंट होती है गौने उसका तो मार्च का ही होगा एडजस्टमेंट फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन बिटवीन द डेट ऑफ देंट एंड द डेट ऑफ देंट खत्म हो गया तो एस दो है अगर एक याद होगा ठीक है इतना बड़ा आंसर ऐसे भी नहीं आएगा चार पांच ही लिखना पड़ता अपने को देख वॉज यूर सब्सिक्वेंट इवेंट सिक्स वॉज योर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन लास्ट सेवेंथ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी सिंस द डेट ऑफ एक्विजिशन सर आखिरी एडजस्टमेंट प्रॉफिट भी तो देना पड़ेगा ना माइनॉरिटी को और एनसीआई को बराबर प्रॉफिट देना पड़ेगा तो ये वो है एडजस्टमेंट सिंपल सेम पॉइंट कॉपी कर देने का डिटरमिनेश ऑफ इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी माइनॉरिटी का दूसरा नाम क्या है एनसीआई डिटरमिनेशन ऑफ इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी और एनसीआई तो बेटा सात पॉइंट है ठीक है एक बार स्क्रीबल पहले पढ़ते फिर स्क्रिबल करते ठीक है देखो वापस करते पहला आराम से होएगा होगा पेशेंसों को होगा होएगा पहला क्लास है पहला चैप्टर है तरीका थोड़ा सा अलग है टाइम लगेगा पर हो जाएगा पहला आई आई से क्या होगा बच्चों इंटरग्रुप इंटरेस्ट ए इंटरस्ट इंटरेस्ट पेरेंटी एफ एफ से सर फॉरन कम्पोन है तो क्या होगा गैप कन्वर्जन बोल दीजिए सर आप पी प्रॉफिट्स ऑनड फ्रॉम सब्सिडीज प्रॉफिट्स ऑन असट फ्रॉम सब्सिडीज एडजस्टमेंट फॉर हारमोनाइजिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी पॉलिसी सर आई बहुत छोटा पॉइंट है वो डेटाक्रेटर इंडिपेंडेंस इंटरग्रुप इंडिपेंडेंस सर ऐसे में दो सिखाए गए हैं पहला है सब इवेंट एडजस्टमेंट फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट विच अकर आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर ऑडिट रिपोर्ट डेट आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर ऑडिट रिपोर्ट डेट फिर एक और ऐसा है सर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन किसके बीच में होता है बिटवीन द डेट ऑफ द कॉम्पोनेंट्स डेट ऑफ द एफ एस ऑफ कॉम्पोन एंड डेट ऑफ द एफ एस ऑफ द पैरेंट सिंपल भाषा में अपने परफेक्ट वेरी गुड वेरी गुड ई ई इज वॉट इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी ई इज वॉट इक्विटी एट्रीब्यूट टू माइनॉरिटी सर माइनोरिटी का दूसरा नाम क्या है एन का दूसरा नाम क्या बच्चों एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कर लो हो लोक यू लेट्स स्क्रिबल एक और होते डिफर टैक्स की भी एडजस्टमेंट होते है, याद होते ठीक है आप छोड़ सकते हो डिफर टैक्स भी होगा सो आई से क्या होता है बच्चों इंट्रा ग्रुप क्या है सर वो इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड एफ से सर फॉरेन कंपोनेंट उसमें क्या होता है सर कन्वर्ट करना पड़ता है उसको गैप कन्वर्शन वेर एप्लीकेबल पी से सर प्रॉफिट्स ऑन असेट्स एक्वायर्ड फ्रॉम ए एडजस्टमेंट फॉर हार्मोनाइजिंग डिफरेंट अकाउंटिंग और पेंसिल इज नॉट वर्किंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज इन खत्म हो गया आई आई इज इंट्रा ग्रुप इन डेप्टेडनेस सर ऐस में दो थे सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन बिटवीन डेट सॉरी हाँ बिटवीन डेट ऑफ एफ एस ऑफ कॉम्पोनेट एंड डेट ऑफ एफ एस ऑफ पेरेंट और एक सब्सिक्वेंट इवेंट होता है सबसिक्वेंट इवेंट दैट इज आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर आट रिपोर्ट डेट एंड योर ई इज़ इक्विटी ऑर्ट्रीब्यबल टू माइनॉरिटी और एन सी आई खत्म कैसा लगा गाइस हाउ वाज इट जो लोग नहीं लिख रहे हैं चैट में जो लोग नहीं लिख रहे हैं गाइस रिक्वेस्ट है कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना मैं आपको जज करो ना आपको कोई जज करा सब अपन सेम लेवल पे है सब लोग अपन सेम लेवल पे है अपने को पास होने का उद्देश्य यही है तो लिखो चैट में नहीं तो याद नहीं होगा आप सोचोगे मैं घर पे अकेला करूँ भाई घर पे कर लिया तो ये क्लास क्यों लिया फिर लिए पैसा दिया क्लास में ही करो सब कुछ क्योंकि अकेले नहीं हो रहा है वही तो दिक्कत है ना अकेले तो अपन जब कल मिलेंगे ना तो अपन क्या करेंगे तो जो आज पढ़े मैं फिर से आपको पूछूंगा रिकॉल करवाऊंगा पूरा जे बट एक आपको खुद से भी करना होगा तो इस चैप्टर का जो नोट्स है वो मैं आपको भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये मतलब ये सी एफ एस वाला चैप्टर पी डी एफ पूरा तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं ठीक है एक बार जितना भी अपन ने पढ़े बहुत फटाफट रिकॉल करे पाँच मिनट लगेगी हूँ तो रोज़ अपन यही करेंगे तो कल बेटा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका कल मैं शायद दूसरा भी शुरू कर दूंगा कल ये खत्म हो जाएगा चलो बिना देखे करते बन तो सर पहले हमने शुरू किया था डेफिनेशन से तो जब मैं बात करता हूं सब्सिडी की एट वॉट परसेंटेज डू आई बिकम कम सब्सिडी चार्ट में लिख के बता फटाफट एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू राइट ओके आई से नेम्स ने जिसका नहीं दिखेगा मैं उसका नाम भी ले लेगा वेरी गुड मोर देन फिफ्टी अच्छा एट वॉट परसेंटेज डू बिकम एसोसिएट एट वॉट परसेंटेज डू बिकम असोसिएट परफेक्ट मिनिमम ट्वेंटी तो सर मेरा बच्चा किधर भी हो कैसा भी हो सब्सिडरी होोसिएट हो ज्वाइंट वेंचर हो फॉरन कंपनी हो फॉरन सब्सिडी हो फॉरन एसोसिएट मेरा बच्चा किधर भी हो मेरे को तो कौनसो करना ही है कौनसो तो करना ही है एज पर विच सेक्शन विच सेक्शन वाइज विच सेक्शन चीयर्स परफेक्ट वन ट्वेंटी नाइन वन ट्वेंटी नाइन सर जब हम लोग कंपनी से बात करते हैं तो सर आपको हमेशा कौनसो करना है एक्सेप्ट एक एग्जामेशन है ए बी सी बराबर ए बी सी ए कौन सो करता है बी नहीं करता बी को एग्जामेशन है तीन कंडीशन है टेल मी जस्ट राइट वन वर्ड में समझ जाऊंगा आपको आता है बस लिख दो बस एन ओ सी सो सर आपको एन ओ सी लेकर आना है फ्रॉम ऑल द मेंबर्स ऑफ वन मेंबर एंड एंड सेकेंड कंडीशन नॉट अ लिस्टेड कंपनी वेरी गुड वेरी गुड नॉट अ लिस्टेड कंपनी

तो सब वो कैसे रूट करेगी एफईटीपीएल के थ्रू फेयर वैल्यू थ्रू पी एन एल पर विच इंडिया वन जीरो बट द होल्डिंग कंपनी बट द होल्डिंग कंपनी विल प्रिपेयर होल्डिंग कंपनी विल प्रिपेयर सी एफ एस ओके सर जब होल्डिंग कंपनी विल प्रिपेयर सी एफ एस होल्डिंग कंपनी को नहीं बनाने का उसकी वो खुद भी क्या होनी चाहिए वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो चुना वो खुद भी क्या होना चाहिए बच्चों वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी होनी चाहिए वो खुद भी क्या होना चाहिए इन्वेस्टमेंट ए परफेक्ट है तो ये अपने पहले दो क्वेश्चन की तीसरा क्वेश्चन आता है सर होल्डिंग कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सात पॉइंट थे बच्चों को ढूंढो आइडेंटिफाई कॉम्पोनेंट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉम्पोनेट्स पैसा कैसे कमाया रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग आपस में ट्रांजेक्शन क्या है आरपीएन आरपीटी सर्च क्या ना ऑप्टेन एक्यूरेट एंड कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आगे सब कुछ ठोको सारे को मेक प्रॉपर कौनसोल एडजस्टमेंट अरे 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 वो अकेला चल रहा है सर सा, साथ में लेके चलो हारमोनाइज द अकाउंटिंग पॉलिसी वेरी गुड वेरी गुड गो गो एंड हारमोनाइज द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी सर गैप कन्वर्जन वेरेवर एप्लीकेबल गैप कन्वर्जन वेरेवेर एप्लीकेबल ठीक है फिर ऑडिट प्रोसीजर होते हैं हमारे होल्डिंग पैरेंट uh, के ऑडिटर के होल्डिंग के ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर कोड वॉज इसका पीजी वर्क्स ठीक है उसका जो क्वेश्चन का जो ट्विस्ट है वो मैं आपको बता दूंगा क्या है वो वो अपन जब कल लिखेंगे तो अपन वो भी वाला क्वेश्चन लिखेंगे ऑडिट प्रोसीजर ऑडिट प्रोसीजर फॉर पेरेंट कंपनी का ऑर्डर सर so, क्या चेक करना है मेरे को आई इन्वेस्टमेंट्स एस स्टैचू रजिस्टर या शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बोल सकते हैं सी चेंजेस इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न ए एनी अदर अरेंजमेंट कुछ अगर कर रखा है वो चेक करिए पी प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग द कॉम्पोनेंट्स जे P, ज्वाइंट वेंचर और ज्वाइंट आर में कुछ अगर है तो पी जे वी डब्ल्यू 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 से वर्किंग पेपर्स क्या चेक करिए आप वर्किंग पेपर चेक कर लीजिए परफेक्ट फॉर द नोन कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्रायर ईर्स ये पाँचवा फिर चौथा हो गया पाँचवा क्वेश्चन आता है मेरा सर टाइप्स ऑफ कॉन्सो एडजस्टमेंट दो होते हैं सर पी सी एंड सी पी सी ए पी सी ए होती है पहली ओकेशन पर या फिर चेंज इन द शेयर होल्डिंग फर्स्ट ओकेशन और चेंज इन द शेयर होल्डिंग सी पी सी होता है एवरी ईयर सी पी सी क्या होता है एवरी ईयर सर इसका है ई सी जी ई

आई इनडिपेडेंस एस उन्होंने बोल दिया और ई से कॉमन है इक्विटी एट्रिब्यूटेबल टू माइनिटी और एन सी आई क्या बात है अच्छो चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है हमारा खाली एक रिपोर्टिंग का पॉइंट पेंडिंग है एक एक ये डिस्क्लोजर नॉट रिक्वायर्ड पेंडिंग है दो और एक अपना वो फाइव एट सॉरी ऐसे तीन क्वेश्चन बच्चे अपने तीन क्वेश्चन बच्चे कैसा लगा सोमारो डू द क्वेश्चन बुक वी डू द मॉड्यूल ऑल्सो वी वन राइट रट ऑल्सो कल ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ पहले भी ये होता था ठीक है और ऐसे रहिए कोई आपका भाई बंधु दो, दोस्त किसी को अटेंड करना है तो उनको बोलो लाइव अटेंड कर लाइव अटन कर, कर, कर कल से हम रिकॉर्डिंग भी दे रहे यही वाले जो चैप्टर है फर्स्ट थ्रू तो लेक्चर्स आए भी अपलोडिंग ऑन द यूट्यूब एंड देन एवरी थिंग वुड बी थ्रू गूगल ड्राइव ये भी गूगल ड्राइव से भी मिलेगा बट ये अभी इसको मैं अभी शाम अभी रात को यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा इसको सो आइए मॉडल में बेटा विशाल एफ आई मीन एफ आर में रिलस्ट्रेशन नहीं ऑडिट एक्सेप्ट एथिक्स बाकी कहीं भी और इलेस्ट्रेशन नहीं है और टैक्स वाले चैप्टर बस वही दो जगह वो करेंगे अपन क्लास में वो टेंशन के लिए रहा है बाकी और कहीं भी इलास्ट्रेशन नहीं है ठीक है और देखो मार्क्स आता है आल शो यू किधर गए वो लोग ये तो इंटर वाला टॉपर है फाइनल का टॉपर में सो किसी को सेवेंटी सेवन आया था किसी का सेवेंटी वन आया था लॉ में फाइनल में भी आता है आई लोगों को मार्क्स आता है बट प्रोवाइडेड अगर वो विश्वास है ना बेटा तो फॉर श्योर आप पास हो जाएंगे फॉर श्योर बट वो विश्वास करना पड़ेगा आपको एंड आई एम टेलिंग यू द टाइम यू स्टार्ट ट्रस्टिंग एंड यू फॉलो द प्रोसेस जैसा मैं आपको कह रहा हूँ अगर वैसा फॉलो करेंगे मतलब लोग इंटर भी में भी पढ़ते फाइनल में भी पढ़ते और वो आ जाता है जैसे देखो यो लॉ e में अलताफ़ को आया था 80 ऑडिट में सिक्सटी सेवन सुमित अग्रवाल एंड मुकेश इज uh, फाइनल ऑफ सिक्सटी टू जितना हमको पता चले ठीक है ये देखो सो मयूर इज़ ए आर फिफ्टी फोर्टी सिक्स भी किसी को कोई ए आर है हमारा सुमित अगेन सिक्सटी सेवन सिक्सटी टू सिक्सटी टू सिक्सटी वन सिक्सटी वन फिर ये इंटर के फिर नीचे फिर लॉ सिक्सटी वन इज़ हिमांशु मुकेश सिक्सटी टू सलोनी सिक्सटी स्नेहा रचना ऑल दिस भी एंड हिमांशु इज एआर 46. सिक्स तो रैंक भी आता है लोगों को एंड यू सी इको लॉ. भाई साहब वो तो ख़त्म ही नहीं होता वो आप दो बनाए दो पन्ना है. देख रहा ये अभी किसी का मेल आया सर एटी सिक्स भी आया हुआ है एटी सिक्स भी आया एटी थ्री भी आया एटी भी आया है आता है लोगों को मार्क्स देख लो ये तो खाली एग्जामेशन है बाकी जो पास हो तो अलग ही लिस्ट है तो बहुत सारे लोग हैं तो जिनको विश्वास होता है वो पास हो जाते हैं और मैं सिंपल सा बोलता हूँ अगर आप सी दर्ज डिफरेंस इन अध्यापक एंड गुरु दर अ डिफरेंस इन अध्यापक एंड गुरु योर अध्यापक मीन्स बेसिकली टीचर्स एन बी मैनी बट गुरु एक ही होता है वो कभी चेंज नहीं होता है आप उसको आँख बन करके विश्वास करते हो तो मैं आपको मतलब मेरा सिंपल सा काम है मैं आपको पास कराना है बस दैट्स इट कुछ कोई लालच नहीं है खाली आपको पास करें बाकी आप जिंदगी जी लोगे आगे फिर अपनी तो पास कराने के लिए आपको जैसा मैं बोल रहा आप वैसा फॉलो जिन्होंने सुना है वो लाइव बना रहे अपने यार माई ओन आर्टिकल्स जो हिंदी मीडियम से मैं उनको इंटरव्यू लूँगा अभी वो लोग दोनों सी बन चुके हैं हिंदी मीडियम के बच्चे ठीक है लाइक फाउंडेशन मुझसे इंटर मुझसे फाइनल मुझसे लाइक लाइक फ्रॉम ट्वेल्थ दे हैर बिन विद मी बोलो हिंदी मीडियम से आए हुए सोचो वो सी बन गए क्योंकि उनको उनको कोई दूसरा कोई टीचर ही नहीं उनके पास यही है जो मैंने बोला वैसा किया तो जो बच्चा फॉलो करता है वो पक्का पास हो जाता है हाँ मेहनत करनी पड़ेगी मेहनत लेकिन मेरे को फॉलो कर पास हो गया मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना मेहनत को जो रास्ता आपको दिखाया गया ना मतलब यार बारह साल जब जबीस अटैम्प देखा है लोगों को से बनते हुए लोगों को फेल होते हुए भी देखा हुआ है बट पीपल हु फॉलो थरली दे विल क्लियर एंड मैं कह रहा हूँ खुद का मेहनत कोई यूट्यूब कुछ नहीं करना है कोई आपको टेलीग्राम नहीं करना है कोई टेस्ट सीरीज नहीं करना है कुछ नहीं करना है स्ट्रिक्टली मॉड्यूल आई सी मटेरियल एंड लॉजिक है ना सर नवंबर तेईस आखिरी है इंस्टीट्यूट का आखिर क्यों नया क्वेश्चन बनाएगा वो वहाँ पर यार और कोई टेस्ट सीरीज में थोड़ी नया क्वेश्चन होता है सेम मॉडल के पीछे के क्वेश्चन पास पेपर के क्वेश्चन होते हैं जस्ट फॉलो आईसीए मटेरियल ट्रस्ट मी यू विल क्लियर फॉर श्योर यू विल क्लियर बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट थिंग्स आर रिपीटेटिव आई विल शो यू वन सेकेंड 5 मिनट रुकना खाली फिर जाना ये लो तुम्हारा तो मैं भाई से ये मेरे पास मई बाईस का भी देगा मैं तो मई तेईस का भी निकाल के दे दूंगा ये देख लो मे बाईस का एफ का पेपर है ठीक है और ये पहली बार नहीं हर बार होता है मई तेईस में भी सेम है नवंबर नवम्बर में भी सेम है क्या क्या इंस्टीट्यूट ने फिगर चेंज सेम सिमिलर सेम सिमिलर फिगर चेंज फिगर चेंज सेम सिमिलर फिगर चेंज फिगर चेंज फिगर डबल सेम हंड्रेड परसेंट फ्रॉम स्टडी मॉड्यूल आई कोई महंगा टीचर का बुक नहीं है कोई है मतलब ऑल माई आर्टिकल्स है थ्रू मॉडल एंड विद वन टीचर दैट्स इट कोई और दूसरा महंगा नहीं कोई 400-300 तीन सौ घंटा नहीं बस एक टीचर एक बुक दैट सेट देख लो कहां से आता है पेपर बेटा लो बेटा स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल मटियल स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल स्टडी 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 मटेरियल 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 मॉक टेस्ट पेपर स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल और ये मे बाइस है मैं कल निकाल के आपको नॉमर बाइस का भी दिखा दूंगा मई का सेम आता है कोई चेंज नहीं करता इंस्टीट्यूट एफ आर एस एफ एम सेम ही आता है फिगर हाँ, क्या है, करता है इंशूड डबल करता है सेम करता है फिगर चेंज कर देता है दैट्स इट बट बेसिक इज मॉड्यूल उसके बाहर से कुछ नहीं आता है दस परसेंट आ जाएगा बीस पेपर आ जाएगा उससे बीस परसेंट आ जाएगा उससे तक क्या ही आएगा वैसे भी आखिरी अटेम्प्ट इस बार तो क्यों इंश्यूट मेहनत करेगा थोड़ा सा दिमाग लगाइए थोड़ा सा दिमाग लगाइए एंड फॉलो वडेवर ऑथर यू आर फॉलोइंग फॉर वडेवर सब्जेक्ट उनका मटीरियल प्लस स्टडी मटीरियल भले वो टीचर का बुक बहुत महंगा होगा बहुत बड़ा होगा भैया वो होने के बाद मॉडल करना पड़ेगा या साथ साथ में कर लो डू इट एटलीस्ट फॉर एटी परसेंट सिलेबस स्टडी मॉडल देख लीजिए ना तुम्हारे तो सामने की बात है भाई सर सा, सामने की बात है मॉड्यूल से आता है पेपर फिर वो जो कहते ना मेरी टेस्ट सीरीज है आया मेरे टेस्ट दिखा दो भैया तुम्हारी टेस्ट सीरीज है आए कहाँ से आया पेपर मॉडल से आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन नंबर ऑल्सो ना ये देख लो भैया पेज नंबर के साथ लिखा हुआ है पेज नंबर के साथ फिर लोग बोले अरे मेरी टेस्ट सीरीज अरे क्या टेस्ट सीरीज भाई सब मॉड्यूल से पेपर पूरा 80 परसेंट एट्टी फाइव परसेंट बेबा तुम्हारे हाथ में होता है तुम्हारे हाथ में पर लोग विश्वास नहीं करते क्यों डर का माहौल है और डर का ही धंधा है ध्यान रखना अगर बात समझ में आई है तो इज्जत में मॉडल सॉल्व करो पक्का पास हो जाओगे ऑडिट में निकाल दूंगा एस एफ एम में फेल मत होना बस मैं उसमें नहीं बचा सकता हूं। उसके लिए आपको मॉडल करना पड़ेगा मॉडल कीजिए पास हो जाएंगे समझ आया सो so, डू पसंद आया तो डू रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स यम टू टेक लाइव इफ़ पॉसिबल अगर लाइव नहीं पॉसिबल है तो रिकॉर्ड ली एक चैप्टर का वो अलग हो जाएगा बाकी चैप्टर में सात हो जाएगा वहाँ पर ठीक है टुमारो वी सेम लिंक सेवन पी एम वी मीट जो मैंने पढ़ा है सात क्वेश्चन अच्छे पाँच क्वेश्चन फाइव एंड फाइव भी वो करके आइएगा मैं पी डी एफ थोड़ी देर में आपको शेयर कर दूँगा कुल एंड कल एक नोटबुक लेके आजाना अपने को लिखना भी पड़ेगा बीस रुपये खर्चा कर लेना ऑडिट के थोड़ा सा और वेयर विल गेट गूगल ड्राइविंग रॉबिन हैव टू मेल टू द ऑफिस अभी कल तो नहीं मिलेगा क्योंकि आज मैं अपलोड करूंगा वो लोग उसको एन्क्रिप्ट करेंगे तो सर दो तीन दिन का टाइम लग जाएगा दो दिन में मिल जाएगा आपको ये वैसे भी मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ अभी थोड़ी देर में ठीक है बाय गाइस टेक केयर एंजॉय ऑल द बेस्ट कीप स्माइलिंग मी मी टुमारो